नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल गेन चैप्टर का रिवीजन। कैपिटल गेन में सबसे पहले अपने देखा था चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45। ये बोलता है अगर कोई कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्रांसफर हुआ है तो उसको ट्रांसफर करने से जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो दो चीजें, एक तो कैपिटल एसेट और एक ट्रांसफर। कोई कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए? ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफर होता है तो जो भी गेन होगा कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब सबसे पहले कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है, चाहे इमूवेबल है, चाहे टेंजिबल है, चाहे इंटेंजिबल। मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, जो एसएससी की प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी, चाहे बिजनेस और प्रोफेशन की प्रॉपर्टी है, चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी, सब चीजें क्या हो जाएंगी? कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी। मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, और चाहे वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी, सब क्या मान ली जाएंगी? कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी। लेकिन चार चीजों को छोड़ के, चार चीजों को अपन कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। तो स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। जब आप स्टॉक सेल करते हो तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। दूसरा, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पर्सनल भी आपकी और मूवेबल भी है, पर्सनल भी और मूवेबल भी है, वो कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जैसे पर्सनल फोन हो गया, या मान लो पर्सनल वॉच हो गई, इनको अपन कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। या मान लो पर्सनल आपकी कार हो गई तो उनको अपन कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन दे दिया कि पांच चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनल और मूवेबल होने के बाद भी, पर्सनल और मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी। क्या क्या चीज़ें? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये पांच चीज़ें पर्सनल और मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल एसेट मान ली जाएंगी। इसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया, कोई एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड मतलब खेती की जमीन, और वो भी कौन सी है? रूरल। एग्रीकल्चर लैंड दो तरह की होती है, एक अर्बन और एक रूरल। तो कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वो कैसी है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और इंडिया में है, तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। और लास्ट है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है वो भी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। अब इसमें अपने आगे देखा था नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट देखा था कि अगर मान लो कोई एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने कोई सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं? इंडिया के स्टॉक मार्केट में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के स्टॉक मार्केट में बड़ी मात्रा में परचेज करते हैं, बड़ी मात्रा में सेल करते हैं। तो उनका काम क्या होता है? इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करने का काम होता है। तो उन्होंने जो सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी होती है, एक तरीके से स्टॉक इन ट्रेड होता है, लेकिन उनको क्या मान लिया जाएगा? यहाँ पे कैपिटल एसेट माना जाएगा। हमेशा क्या माना जाएगा उनको? कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। अगर एफआईआई ने कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी, शेयर्स वगैरह, डिबेंचर वगैरह, हमेशा क्या माना जाएगा उसको? कैपिटल एसेट माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बता रखा है? ये अमेंडमेंट आया इस बार, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुआ है इसमें, कि कोई यूएलआईपी है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई यूएलआईपी है। आप बोलोगे यूएलआईपी क्या होता है? देखो यूएलआईपी क्या होता है, एक तरीके से इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी होता है इसमें, और एक आपका इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट भी होता है। यूएलआईपी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। आप जो प्रीमियम पे करते हो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी होता है और इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम भी होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ का? म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट का। तो लाइफ इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, ये होती है यूएलआईपी। यूएलआईपी पहले क्या होती थी? एक सेक्शन होगा 10-10D, वहाँ एग्जम्प्ट हो जाती थी। अब इन्होंने क्या बोला, अगर कोई यूएलआईपी है, वो आपने कब इशू की है, कब इशू हुई आपको? 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, कब इशू हुई आपको? 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुई है, और उसमें आपने जो प्रीमियम पे किया है किसी भी ईयर में 2.5 लाख से ज़्यादा का किया है, किसी भी ईयर में प्रीमियम कितना पे किया है? 2,50,000 से ज़्यादा किया है, तो वो भी क्या बन जाएगी? कैपिटल एसेट बन जाएगी। तो आपको कोई यूएलआईपी इशू हुई है, यूएलआईपी मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आपको इशू हुई है, कब इशू हुई है? 1 फरवरी 2021 या उसके बाद हुई है, और उस पर जो प्रीमियम पे आपने किसी भी ईयर में किया है वो 2.5 लाख से ज़्यादा का किया है, 2,50,000 से ज़्यादा का किया है, वो भी कैपिटल एसेट बन जाएगी। जब वो उसकी मैच्योरिटी होगी तब वो टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? देखो, एक होता है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या डेट ओरिएंटेड फंड। तो जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उन पे कैपिटल गेन आता है, वो टैक्सेबल होता है। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड कैपिटल एसेट होते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता था। अब यूएलआईपी पे कैपिटल गेन नहीं लगता था, पहले यूएलआईपी पे कैपिटल गेन नहीं लगता था, तो लोग क्या करते थे? ज़्यादातर लोग इस चक्कर में यूएलआईपी में इन्वेस्टमेंट करते थे। दोनों लोग क्या करते थे? इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूएलआईपी में भेदभाव करते थे, भेदभाव करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? यूएलआईपी को भी अब टैक्सेबल कर दिया। अगर यूएलआईपी कब इशू हुई है? 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हुई, और प्रीमियम पेबल कितना है? किसी भी प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख से ज़्यादा का है। प्रीमियम पेबल कितना है? 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम पेबल है, तो कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। और जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो जो आपको अमाउंट मिलेगी वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अगला बता रखा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन में बता रखा है कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ऐसे टाउन या ऐसे एरिया में या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, एरिया में सिचुएटेड है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है। कितनी है? 10,000 से कम है, तो क्या बन जाएगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है तो क्या बनेगा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन 10,000 से कम है पॉपुलेशन और ऐसे टाउन में कोई एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है, खेती की जमीन सिचुएटेड है, क्या बन जाएगी? वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा बता रखा है कोई ऐसा एरिया है
जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन अप टू 1 लाख है, ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन अप टू 1 लाख है, और उस एरिया से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर, उस एरिया से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर जो लैंड सिचुएटेड है, आउटसाइड 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर जो लैंड सिचुएटेड है क्या मानी जाएगी? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। विद इन 2 किलोमीटर है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन 2 किलोमीटर के बाहर है कोई एग्रीकल्चर लैंड तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसके बाद अगला बता रखा है कोई ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन आपको 10 लाख है, और उस एरिया से 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर जो लैंड सिचुएटेड है वो बन जाएगी रूरल एग्रीकल्चर लैंड। विद इन 6 है तो अर्बन, 6 से ज्यादा दूर है तो रूरल। और इसके बाद बता रहा है कोई ऐसा एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं जयपुर है दिल्ली वगैरह है, तो जिनकी पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख से ज्यादा है, और उस एरिया से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर, उस एरिया से 8 किलोमीटर से आउटसाइड या 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है वो बन जाएगी रूरल, और विद इन 8 किलोमीटर है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड हुई तो कैपिटल सिटी नहीं मानी जाएगी। तो कैपिटल सिटी में हमने क्या देखा, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल है चाहे टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, एसएससी ने हेल्ड करके चाहे वो उसकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है चाहे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सब क्या मान ली जाएंगी, कैपिटल सिटी मान ली जाएंगी। इसमें इन्होंने 4 चीज़ों को हटा दिया, 4 चीज़ें क्या क्या, एक तो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल सिटी नहीं माना जाएगा, दूसरा कोई पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी उसको भी कैपिटल सिटी नहीं माना जाएगा, लेकिन पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी में 5 चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनल और मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल सिटी मान ली जाएंगी, क्या क्या, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल सेट नहीं मानी जाएगी, और एक गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, इसको भी कैपिटल सेट अपन नहीं मानेंगे। अब इसके बाद अपन देखा टाइप्स ऑफ कैपिटल सेट। देखो कैपिटल सेट 2 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट। ऐसा क्यों बांट रखा है, अगर कोई कैपिटल सेट शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट होती है तो उस पर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर कोई कैपिटल सेट लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट है तो उस पर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये पता कैसे करोगे, इसके लिए अपन देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब परचेज से लेकर के सेल तक का पीरियड देखेंगे, मतलब आपने उस असेट को कितने टाइम तक अपने पास रख रखा था, आपका वो असेट कितने टाइम तक आपका था, तो उस असेट को आपने कितने टाइम तक अपने पास रख रखा था या वो असेट आपका कितने टाइम तक था परचेज से लेकर के सेल तक का, नॉर्मल केस में अपन पीरियड देखते हैं, ये होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग, और इसको देख के डिसाइड करते हैं कि शॉर्ट टर्म है असेट या लॉन्ग टर्म असेट है। तो देखो इसके लिए बता रखा है सबसे पहले 3 असेट, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। क्या बोला मैंने, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट होती है जो बड़ी मात्रा में लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होती है, अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करती है तो डेट ओरिएंटेड फंड होती है। तो मैंने क्या बोला, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इन 3 असेट के लिए अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 1 ईयर तक है, 1 ईयर तक आपने हेल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया, 1 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड क्या लेंगे, खाली शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, इन 2 असेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग है 2 ईयर, 2 ईयर तक शॉर्ट टर्म, 2 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया, 2 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। इसके बाद अदर कैपिटल सेट, इन 5 कैपिटल सेट को छोड़ के और कोई भी कैपिटल सेट है, जैसे ज्वेलरी है मान लो, या स्लम सेल की यूनिट है मान लो, या कोई भी कैपिटल सेट है, यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड है, तो क्या मानी जाएंगी, अदर कैपिटल हेड। इनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग है अप टू 3 ईयर तक शॉर्ट टर्म, 3 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। इस तरह से अपन चेक कर लेंगे कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म, कैसे चेक करेंगे, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड अप टू 1 ईयर शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया लॉन्ग टर्म, अनलिस्टेड शेयर्स लैंड एंड बिल्डिंग अप टू 2 ईयर शॉर्ट टर्म, 2 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म, अदर कैपिटल सेट अप टू 3 ईयर तक शॉर्ट टर्म और 3 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। फिर अपने देखा ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेफिनेशन में मैंने आपको सारे पॉइंट कवर कर दिए थे, ट्रांसफर की वैसे डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है लेकिन मैंने काफी सारे पॉइंट जो भी होते हैं ट्रांसफर सारे कवर कर दिए थे। क्या क्या होता है ट्रांसफर, कोई भी कैपिटल सेट का सेल करना या कोई कैपिटल सेट का एक्सचेंज करना ट्रांसफर मान लिया जाएगा, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का पजेशन भी दे देते हो वो भी क्या मान लिया जाता है ट्रांसफर, वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है ना उसे ट्रांसफर माना जाता है, लेकिन अगर आपने पजेशन दे दिया रजिस्ट्री नहीं करवाई तो वो भी क्या मान लिया जाएगा ट्रांसफर मान लिया जाता है। इसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड का जो रिडेम्पशन होता है वो भी क्या माना जाएगा ट्रांसफर माना जाएगा। इसके बाद देखा था अपने आपका कैपिटल सेट डिस्ट्रॉय हो गया, आपने सेल नहीं किया डिस्ट्रॉय हो गया और आपको इंश्योरेंस कंपनी से बदले में अमाउंट या अदर सेट मिला, ये भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा, ये एक स्पेशल केस है 45 बनेगा, सेक्शन 45 बनेगा। इसके बाद बताया आपका कैपिटल सेट आपने क्या किया स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, सेल नहीं किया स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या मान लिया जाएगा, ये भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा सेक्शन 45(2) में। इसके बाद बता रखा है कोई पार्टनर या मेंबर किसी फर्म AOPBY में एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई असेट लेके आया, एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई असेट लेके आया वो भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा, ये भी स्पेशल केस है सेक्शन 45(3). इसके बाद बता रखा है किसी स्पेसिफाइड एंटिटी का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब फर्म AOPBY, फर्म AOPBY का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है और वो क्या कर रही है वो स्पेसिफाइड एंटिटी अपने स्पेसिफाइड पर्सन को, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब पार्टनर या मेंबर को कैपिटल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रिकंस्टिट्यूशन पे, वो भी क्या मान लिया जाएगा ट्रांसफर मान लिया जाएगा, ये एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 45(4) का, ये अपन डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल सेट, आपने कैपिटल सेट सेल नहीं किया आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है सेक्शन 45(5), एक स्पेशल केस लग जाएगा ट्रांसफर मान लिया जाएगा।
जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो ट्रांसफर होता है, एक स्पेशल केस लग जाएगा 45(5)(f) में, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सेट शेयर होल्डर को, ट्रांसफर मान लिया जाएगा सेक्शन 46 में। इसके बाद बता रखा है कंपनी बाई बैक करती है शेयर्स वगैरह सिक्योरिटीज वगैरह, सेक्शन 46(6)46(a) में ट्रांसफर मान लिया जाएगा स्पेशल केस। इसके बाद स्लम सेल, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 50B, स्लम सेल। स्लम सेल करते हो आप, एक पूरी यूनिट का सेल कर देते हो, ये भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा। ये सारे होते हैं ट्रांसफर। अपन टोटल केस देखेंगे, स्पेशल केस भी देखेंगे और नॉर्मल केस भी देखेंगे। अब अपने देखा सबसे पहले सेक्शन 47, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको ट्रांसफर माना नहीं जाता। आपको लगेगा ट्रांसफर हो रहा है लेकिन फिर भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, और ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन आने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए और दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो सेक्शन 47 में काफ़ी सारे ऐसे केस कवर है जिनको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, और अगर ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। तो पहला केस क्या दे रखा है, ट्रांसफर अंडर गिफ्ट विल। तो आपने कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट में दे दिया, अपने फ्रेंड को, अपने सन को, या किसी को भी गिफ्ट में दे दिया, तो आपने कोई भी कैपिटल एसेट किसी भी पर्सन को गिफ्ट में दिया तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, फ्री में दिया। गिफ्ट मतलब क्या होता है, फ्री में। अगर आपने एक रुपया भी चार्ज कर लिया तो गिफ्ट नहीं होगा, गिफ्ट का मतलब बिल्कुल फ्री में देना। तो अगर गिफ्ट में आपने ट्रांसफर किया या बिल के थ्रू, वसीयत के थ्रू ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन इसोप जो होते हैं वो भी कैपिटल एसेट होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर इसको गिफ्ट में देते हो तो ये ट्रांसफर मान लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा, इसोप के अलावा और कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप गिफ्ट में देते हो, विल के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। दूसरा, एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, और एचयूएफ क्या कर रही है, अपने एसेट्स मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तीसरा केस है, कंपनीज का अमालगमेशन या डीमर्जर हो रहा है, तो अमालगमेशन और डीमर्जर में जो आपस में चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्या ट्रांसफर हो रही है, अमालगमेटिंग कंपनी के जो कैपिटल सेट है, अमालगमेटेड इंडियन कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो रहे हैं, अमालगमेटिंग कंपनी के कैपिटल सेट अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो रहे हैं, या डीमर्ज कंपनी के कैपिटल सेट रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। बस जो कंपनी एसेट रिसीव कर रही है वो इंडियन होनी चाहिए, अमालगमेटेड इंडियन या रिजल्टिंग इंडियन, वो क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। इसके बाद जो अमालगमेटेड कंपनी है, जो न्यू कंपनी अमालगमेटेड कंपनी है, वो अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है, अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स के बदले में, उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। वैसे तो एक्सचेंज है लेकिन फिर भी उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और अगला है, रिजल्टिंग कंपनी क्या कर रही है, डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर्स इशू कर रही है डीमर्ज कंपनी के शेयर्स के बदले में, तो उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। वैसे तो एक्सचेंज है लेकिन फिर भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो अमालगमेशन डीमर्जर में जो भी ट्रांसफर होता है उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। फिर अपने देखा था होली ओन सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी के बीच में जो ट्रांसफर होगा, होली ओन सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी के बीच में जो ट्रांसफर होगा उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। होली ओन सब्सिडी मतलब 100% सब्सिडी। तो इसके लिए कंडीशन है, जो ट्रांसफर ही कंपनी है मतलब जो असेट रिसीव कर रही है, असेट रिसीव चाहे होली ओन कर रही हो चाहे सब्सिडी कर रही हो, होली ओन सब्सिडी कर रही हो चाहे होल्डिंग कंपनी कर रही हो, वो इंडियन होनी चाहिए, वो इंडियन होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, होल्डिंग कंपनी को होली ओन सब्सिडी कंपनी की 100% शेयर कैपिटल हेल्ड करके रखनी पड़ेगी जिस दिन उसने ट्रांसफर किया कोई भी एसेट, उस दिन से 8 ईयर तक उसको 100% शेयर कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, हेल्ड करके रखनी पड़ेगी। तो होली ओन सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी में जो भी ट्रांसफर होगा, जो भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बस जो रिसीव वाली कंपनी वो इंडियन होनी चाहिए। और दूसरा केस क्या है, होल्डिंग कंपनी को 100% शेयर कैपिटल हेल्ड करके रखनी पड़ेगी जिस दिन ट्रांसफर होगा उस दिन से 8 ईयर तक। इसके बाद बता रहा था पांचवा पॉइंट, अगर बॉन्ड्स और डिबेंचर का शेयर्स में कन्वर्जन होता है, बॉन्ड्स और डिबेंचर का शेयर्स में कन्वर्जन होता है, आपको बॉन्ड्स और डिबेंचर की जगह शेयर्स मिल गए, एक्सचेंज हुआ एक तरीके से, फिर भी उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगला है, प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर में कन्वर्जन होना भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगला बता रखा है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो ट्रांसफर होते हैं, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होती है, सीनियर सिटीजन जो होता है 60 ईयर्स या उससे ज्यादा का सीनियर सिटीजन, वो अपनी प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज कर देता है और बैंक बदले में उसको घर खर्च चलाने के लिए पैसे देता है, लोन देता है या पैसे देता है। अब वो सीनियर सिटीजन मान लो पैसा नहीं चुका पाया तो बैंक क्या कर लेता है, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, तो वो प्रॉपर्टी बैंक की बन जाती है, तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जबकि ट्रांसफर हो गया, उस सीनियर सिटीजन से प्रॉपर्टी किसकी हो गई, बैंक की, फिर भी इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट बता रखा है, किसी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का कंपनी ने सक्सेशन कर लिया, मतलब किसी सोल प्रोप्राइटरशिप या फर्म को कंपनी ने क्या कर लिया, खरीद लिया, तो उसे उसके बीच में जो सोल प्रोप्राइटरशिप और फर्म के जो असेट होंगे कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके लिए तीन कंडीशन है। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, जो प्रोप्राइटरशिप और फर्म के जो भी असेट्स और लाइबिलिटी थे, प्रोप्राइटरशिप और फर्म के जो भी जितने भी असेट्स और लाइबिलिटी थे सारे के सारे कंपनी के क्या बन जाने चाहिए, असेट्स और लाइबिलिटी। दूसरा, जो प्रोप्राइटर और पार्टनर है, अगर प्रोप्राइटरशिप वाला केस है तो प्रोप्राइटर, फर्म वाला केस है तो पार्टनर, उनकी उस कंपनी में कम से कम 50% वोटिंग पावर होनी चाहिए, कम से कम 50% वोटिंग पावर होनी चाहिए, कम से कम 5 ईयर तक 50% वोटिंग पावर होनी चाहिए, और कम से कम कितने ईयर तक, 5 ईयर तक। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उस प्रोप्राइटर और पार्टनर को कंपनी से शेयर्स में अलॉटमेंट के अलावा, शेयर्स के अलॉटमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, कंपनी से एक रुपया भी नहीं मिलना चाहिए, खाली शेयर्स मिलने चाहिए। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो प्रोप्राइटरशिप और फर्म का जो सक्सेशन होगा, तो प्रोप्राइटरशिप और फर्म के जो कैपिटल सेट है कंपनी को ट्रांसफर होंगे, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगला केस दे रखा है,
कोई प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसका एलएलपी में कन्वर्जन हो रहा है, प्राइवेट कंपनी का या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन हो रहा है, तो प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के जो कैपिटल असेट थे वो एलएलपी को ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, ये टोटल 6 कंडीशन दे रखी है, अगर ये पूरी होंगी तो ही ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो क्या है, जो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की जितने भी असेट्स लायबिलिटी है वो एलएलपी के क्या बन जाने चाहिए, असेट्स लायबिलिटी बन जाने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो एलएलपी में पार्टनर बन जाने चाहिए, जो शेयर होल्डिंग कंपनी में थी उसी रेशियो में वो एलएलपी में पार्टनर बन जाने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो एलएलपी का कम से कम 50% प्रॉफिट रखें, कम से कम 50% पीएसआर रखें अपने पास कितने सालों तक, फाइव ईयर तक। इसके बाद बता रखा है उस कंपनी का जो अकुमुलेटेड प्रॉफिट था, उस कंपनी के जो रिजर्व सरप्लस थे, उसमें से कंपनी के जो पहले शेयर होल्डर थे और अब एलएलपी के पार्टनर बन गए, उन पार्टनर्स को एक रुपया भी नहीं देना आपको तीन साल तक एक रुपया भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। और अगला बता रखा है उस कंपनी, जिस कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है उस कंपनी का टर्नओवर पीछे के 3 सालों में 60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिस कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है उस कंपनी के जो असेट्स हैं, असेट्स की बुक वैल्यू पीछे के 3 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बुक वैल्यू के असेट्स जो हैं वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पीछे के 3 सालों में। अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी का जब एलएलपी में कन्वर्जन होगा तो कंपनी के जो असेट है एलएलपी को ट्रांसफर होंगे, लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये कुछ केस दे रखे थे जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, और भी काफ़ी सारे केस हैं, लेकिन वो कुछ जो केस हैं वो सब नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड है, तो नॉन रेजिडेंट जब अपन पढ़ेंगे, एनआर टैक्सेशन जब पढ़ेंगे तब अपन वो कवर करेंगे। अभी रेजिडेंट के रिगार्डिंग जो भी केस थे सब अपन ने देख लिए, क्या क्या केस थे, ट्रांसफर अंडर गिफ्ट विल पहला ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, दूसरा एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ मेंबर्स में असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तीसरा अमालगमेशन और डीमर्जर में जो भी ट्रांसफर होंगे वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, होली ओन सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच में अगर ट्रांसफर होता है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बॉन्ड्स और डिवेंचर का शेयर्स में कन्वर्जन होता है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर में कन्वर्जन होता है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो ट्रांसफर होता है उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कंपनी ने क्या किया, सोल प्रोप्रेटरशिप या फर्म का सक्सेशन कर लिया, सोल प्रोप्रेटरशिप या फर्म को खरीद लिया तो सोल प्रोप्रेटरशिप के जो असेट ट्रांसफर हो रहे कंपनी को उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कोई कंपनी है प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका एलएलपी में कन्वर्जन हो रहा है तो उसे भी ट्रांसफर, उस केस में भी अब जो ट्रांसफर होगा उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी थी। अब उसके बाद अपन देखा पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग अपन क्यों निकालते हैं, ये चेक करने के लिए कि असेट्स शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, जो कैपिटल असेट है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग नॉर्मल क्या होता है, परचेज से लेकर के सेल तक का पीरियड, डेट ऑफ परचेज से लेकर के डेट ऑफ सेल तक का पीरियड होता है। मान लो आपने परचेज किया था 1 अप्रैल 2013 को, सेल कर रहे हो मान लो आप 20th मार्च 2022 को, तो 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 20 मार्च 2022 तक दोनों दिन इंक्लूड करके अपन निकालते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, दोनों दिन इंक्लूड करके क्या निकालते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल लेते हैं, और फिर वो अपन चेक करते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर अप टू 3 ईयर तक है तो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा होगा एक दिन भी तो लॉन्ग टर्म। ये तो है नॉर्मल केस, लेकिन कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालोगे बता रखा है। पहला केस क्या बता रखा है, जो कैपिटल सेट आपकी प्रॉपर्टी बना, वो प्रॉपर्टी कैसे बना, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिनको ट्रांसफर नहीं माना गया। मैंने क्या बोला, कैपिटल सेट आपकी प्रॉपर्टी कैसे बना, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिनको ट्रांसफर नहीं माना गया, ऊपर अपन ने कुछ 8-9 केस देखे थे, इन ट्रांजेक्शन के थ्रू अगर कैपिटल सेट आपकी प्रॉपर्टी बना है जिनको ट्रांसफर नहीं माना गया, अब आप उस कैपिटल सेट को फर्दर सेल कर रहे हो बाद में, तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकालोगे, तो प्रीवियस ओनर का पीरियड भी ले लेंगे और प्रीवियस एसेट वाला केस है तो प्रीवियस एसेट का पीरियड भी ले लेंगे, अगर प्रीवियस ओनर वाला केस है तो प्रीवियस ओनर का पीरियड भी ले लेंगे और प्रीवियस एसेट वाला केस है तो प्रीवियस एसेट का पीरियड भी ले लेंगे। कैसे ले लेंगे उसके लिए एक एग्जांपल देखो आपको समझ में आ जाएगा। मिस्टर श्याम है, इसने बिल्डिंग परचेज करी थी 10 अगस्त 2005 को 50 लाख रुपए की, 50 लाख की इसने ये बिल्डिंग गिफ्ट कर दी अपने सन मिस्टर मोहन को 5 जुलाई 2012 को इसने गिफ्ट कर दी। अब गिफ्ट करी बताओ ट्रांसफर होगा क्या, गिफ्ट करना ट्रांसफर होता है क्या, नहीं होता, तो ये ट्रांसफर नहीं माना गया। अब मोहन के पास प्रॉपर्टी आ गई, मोहन की प्रॉपर्टी होगी, गिफ्ट में मिल गई उसको, मोहन ने क्या करा, ये प्रॉपर्टी सेल कर दी मिस्टर रोहित को 30th जैन 2022 को 2 करोड़ रुपये में सेल कर दी मिस्टर मोहन ने, मोहन ने सेल कर दी। अब बताओ ये तो ट्रांसफर है ना, सेल करना तो ट्रांसफर हो गया, ये तो ट्रांसफर है। अब मिस्टर मोहन ने प्रॉपर्टी सेल करी, ये प्रॉपर्टी मिस्टर मोहन को कैसे मिली थी, गिफ्ट में मिली थी, कैसे ट्रांजेक्शन से मिली थी, ऐसे ट्रांजेक्शन से मिली थी जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, ऐसे ट्रांजेक्शन से मिली थी जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, इसको गिफ्ट में मिली थी, गिफ्ट में मिली थी, तो ऐसे केस में बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लोगे, जिस दिन इसको गिफ्ट मिला उस दिन से लोगे या जब प्रीवियस ओनर ने परचेज करी थी उस दिन से लोगे, प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इंक्लूड करेंगे, प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इंक्लूड करेंगे। अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेंगे, जब प्रीवियस ओनर ने परचेज करी थी, कब परचेज करी थी 10 अगस्त 2005 वहां से लेकर के जब मिस्टर मोहन ने सेल करी 30th जैन 22
मतलब प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि मिस्टर मोहन की प्रॉपर्टी कैसे बनी है, ऐसे ट्रांजेक्शन से बनी है जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, तो प्रीवियस ओनर का पीरियड भी अपन इंक्लूड कर लेंगे। गिफ्ट वाली डेट से नहीं लेंगे, जब मिस्टर श्याम ने, उसके पापा ने, मोहन के पापा ने परचेज की थी, उस दिन से अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा केस और देखते हैं, एक पर्सन है मिस्टर है, उसने डिबेंचर परचेज किए थे 10 अक्टूबर 2017 को 20 लाख रुपए के, उसने इनको उसके डिबेंचर को कन्वर्ट करवा दिया, कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में 1 जुलाई 2021 को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मिस्टर ए ने क्या किया, इन शेयर्स को सेल कर दिया मिस्टर बी को, शेयर्स को सेल कर दिया, उसको डिबेंचर के शेयर्स मिल गए, और मिस्टर ए ने क्या किया, उन शेयर्स को सेल कर दिया मिस्टर बी को, कब, 20 मार्च 2022 को 30 लाख। अब शेयर्स के लिए अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे, क्योंकि इसने सेल क्या किया, शेयर्स किया, तो शेयर्स के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालोगे तो कहां से कैलकुलेट करोगे, इंक्लूड पीरियड ऑफ प्रीवियस असेट, ये तो लिखवाया मैंने, इंक्लूड पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर या इंक्लूड पीरियड ऑफ प्रीवियस असेट। असेट वाला केस है तो प्रीवियस असेट का पीरियड भी ले लो, ओनर वाला केस है तो प्रीवियस ओनर का पीरियड भी ले लो। तो मिस्टर ए को जो शेयर्स मिले थे कैसे मिले थे, ऐसे ट्रांजेक्शन से मिले थे जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, डिबेंचर को जब अपन ने शेयर्स में कन्वर्ट किया वो ट्रांसफर नहीं होता, वो ट्रांसफर नहीं होता। तो अब शेयर्स का जब अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे, तो जब पुराना सेट है उसका, पुराना सेट क्या था मिस्टर ए के पास, डिबेंचर, डिबेंचर का पीरियड उसमें क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो कब से कब तक काउंट करेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, डिबेंचर का परचेज किए थे 10 अक्टूबर 2017 से लेकर के, सेल कब किए इसने शेयर्स 20 मार्च 2022, इस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे। ये था स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कैसे बनाए, कैपिटल असेट, ऐसे ट्रांजेक्शन से बना जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, तो अपन प्रीवियस ओनर का पीरियड भी ले लेंगे और प्रीवियस असेट का पीरियड भी ले लेंगे। उसके बाद बता रखा है दूसरा केस, अगर असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपने सेल नहीं किया, असेट डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिलता है, तो उस केस में आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लोगे, परचेज जब किया था वहां से ले लेना, और अप टू डेट ऑफ कब तक लोगे, अप टू डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिस दिन डिस्ट्रॉय हो उस दिन तक का पीरियड लोगे। अगर आपने कैपिटल असेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लोगे, सेल तो किया ही नहीं आपने, तो डेट ऑफ परचेज टू अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन, अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन तक अपन पीरियड ले लेंगे। उसके बाद बता रखा है आपके कैपिटल असेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, आपने सेल नहीं किया, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती आपसे ले लिया, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, तो डेट ऑफ परचेज से लेकर के डेट ऑफ कंपलसरी एक्वायर्ड तक अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। अगला दे रखा है कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो जो शेयर्स ने शेयर सेल कर रखे हैं उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लोगे, डेट ऑफ परचेज से लेकर के डेट ऑफ लिक्विडेशन, अप टू डेट ऑफ लिक्विडेशन। ये थे कुछ स्पेशल केस पीरियड ऑफ होल्डिंग के। नॉर्मल केस में क्या, परचेज टू सेल, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल, बाकी कुछ स्पेशल केस रखे थे ये अपने देख लिए। अब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, सेक्शन 48 बोलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लो या सेल कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोल दो या सेल कंसीडरेशन बोल दो, एक ही बात है, इसमें से लेस कर दो ट्रांसफर एक्सपेंस, आपका आ जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन, इसमें से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन ले लो, ट्रांसफर के खर्चे लेस कर दो, नेट सेल कंसीडरेशन आ जाएगा, इसमें से लेस करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या फर्क है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में डायरेक्टली क्या लेस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म में क्या लेस होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक इंडेक्स से अपन क्या करेंगे, इन्फ्लेशन का इंडेक्स आता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उससे अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट इंप्रूवमेंट को बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ा देंगे और फिर लेस करेंगे, आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब चार ऐसे भी केस हैं जहां अगर आपका सेट लॉन्ग टर्म भी है, आपका सेट लॉन्ग टर्म भी है फिर भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब चार ऐसे केस हैं जहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेम आएगा, मतलब इंडेक्स का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से केस है, पहला है बॉन्ड्स और डिबेंचर, बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मान लो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है या लॉन्ग टर्म डिबेंचर है फिर भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन दो बॉन्ड्स में मिल जाएगा, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेजिन बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेजिन बॉन्ड्स में मिल जाएगा, लेकिन बाकी कोई भी बॉन्ड्स में या कोई भी डिबेंचर में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन सेम आएगा। दूसरा स्लम सेल, स्लम सेल जब आप पूरी यूनिट का सेल कर देते हो या पूरा डिवीजन का सेल कर देते हो या पूरी अंडरटेकिंग का सेल कर देते हो, वो होती है स्लम सेल, स्लम सेल के केस में कभी भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सेम ही आएगा। तीसरा डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट जो होते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट क्या होते हैं, जो बिजनेस के एसेट होते हैं और बिजनेस के एसेट होते हैं लैंड को छोड़ के, लैंड को छोड़ के जो भी बिजनेस के कैपिटल एसेट होते हैं वो होते हैं डेप्रिशिएबल एसेट, जैसे हो गया बिल्डिंग, बिजनेस की बिल्डिंग होगी, बिजनेस की प्लान एंड मशीनरी होगी, ये सब क्या हो गए, या बिजनेस का फर्नीचर होगा, ये सब क्या हो गए डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में भी कभी भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और डेप्रिशिएबल एसेट में एक बात और है, कितना भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, हमेशा जो गेन आएगा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म, हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा, लॉन्ग टर्म माना ही नहीं जाएगा डेप्रिशिएबल एसेट। और लास्ट बता रखा है सेक्शन 112A में बता रखा है कुछ स्पेसिफाइड असेट, कुछ स्पेसिफाइड असेट बता रखे हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उनके ऊपर अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो उसमें भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, 112A, वो अपन 112A देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो चार ऐसे भी केस हैं जहां आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म होने के बाद भी, एक तो बॉन्ड्स और डिबेंचर, दूसरा स्लम सेल, तीसरा डेप्रिशिएबल एसेट और चौथा सेक्शन 112A में जो एसेट बता रखे हैं
स्पेसिफाइड एसेट, उन केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद देखा अपन ने सबसे पहले, अब इस टेबल में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको अपन ने एक एक करके समझा। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन, ये कैसे निकालोगे, इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड और अक्रूइंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने से जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई या अक्रू हुई, अक्रू मतलब ड्यू हुई, वो पूरा का पूरा अमाउंट ले लेंगे। मान लो 10 लाख का आपने सेल किया था कैपिटल एसेट, तो सेल प्राइस 10 लाख ले लेंगे, वो क्या हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन। 10 लाख में मान लो आपको अभी 8 लाख रुपये मिले, 2 लाख अभी ड्यू हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे 8 लाख लेंगे अपन, पूरा 10 लाख लेंगे, पूरा 10 लाख लेंगे, चाहे ड्यू हो गई चाहे रिसीव हो गई, पूरा का पूरा ले लेंगे अपन, तो सेल प्राइस एक तरीके से क्या ले लेंगे अपन, सेल प्राइस ले लेंगे। अब इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 50C, ये लगता है लैंड और बिल्डिंग पे। लैंड और बिल्डिंग के केस में अपन सेल कंसिडरेशन अलग तरीके से निकालेंगे। लैंड और बिल्डिंग के केस में अपन जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन निकालेंगे, स्पेशल तरीके से निकालेंगे। 50C बोलता है, क्या बोलता है, अपन क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस विच एवरी जाए, क्या लेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस विच एवरी जाए। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे उस लैंड या उस बिल्डिंग की और उसको कंपेयर करेंगे सेल प्राइस। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एरिया वाइज डिसाइड करती है कि उस एरिया में क्या वैल्यू होनी चाहिए, उस एरिया में क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस इन दोनों का हायर ले लेंगे, इन दोनों में से जो भी होगा हायर ले लेंगे। लेकिन इसमें एक नोट दे रखा है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अपटू 110% तक है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अपटू 110% तक है, तो जो सेल प्राइस है, जो सेल प्राइस है, वही क्या मान लिया जाएगा, सेल कंसेशन। इस फॉर्मूले को इग्नोर कर देंगे। फिर जो जनरल रूल होता है कि सेल प्राइस को क्या मान लेंगे, सेल कंसेशन, वो मान लेंगे। इस फॉर्मूले को इग्नोर कर देंगे। कब इग्नोर करेंगे, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का, सेल प्राइस का अपटू 110% है, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है 10% तक का डिफरेंस है, तो सेल प्राइस को ही सेल कंसेशन मान लेंगे, इस फॉर्मूले को इग्नोर कर देंगे। इसको एक एग्जांपल से और देख लो। पहला केस देखो, इसमें एक एग्जांपल है, सेल प्राइस आपकी 1 लाख है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की है 1,08,000, कितना है, 108% है, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है विद इन 10% है, तो सेल अमाउंट क्या लोगे, सेल प्राइस ही ले लोगे। अगर अप टू 110% तक है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% तक है, तो सेल कंसेशन क्या लेंगे, सेल प्राइस ही ले लेंगे, सेल प्राइस ही ले लेंगे। दूसरा केस देखो, सेल प्राइस है 1 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1,12,000, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होगी सेल प्राइस का, 112% होगी, मतलब जो लिमिट दे रखी है, टॉलरेंस बैंड दे रखा है, उसके बाहर होगी। तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस विच एवरेज हायर, तो सेल अमाउंट क्या ले लेंगे, हायर, दोनों का हायर क्या हुआ, 1,12,000। तीसरा केस देखो, सेल प्राइस 1 लाख है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1,10,000, अप टू 110% उसी लिमिट में, अप टू 110% की लिमिट में, तो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे अपन, सेल प्राइस, क्या लेंगे, सेल प्राइस। ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है, ओनली लैंड और बिल्डिंग के लिए, लैंड और बिल्डिंग के लिए, जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है वो लैंड या बिल्डिंग की होती है और किसी एसेट की नहीं होती। तो ये था 50C, ये अपने देखा। आप 50C में आगे बता रखा है, मान लो आपको क्वेश्चन में एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन के दिन अलग अलग है, डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है, तो क्वेश्चन में आपको 2 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, एग्रीमेंट के दिन की भी दे रखी है और रजिस्ट्रेशन के दिन की भी दे रखी है। वैसे तो ट्रांसफर कब का माना जाता है, रजिस्ट्रेशन के दिन का माना जाता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अपन कब की लेते हैं, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के दिन की। लेकिन अगर ऐसा केस है, एग्रीमेंट आपका पहले हो गया था, रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ, तो 2 दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है। तो इसमें बता रखा है, अगर आपको ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट या अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट होल या पार्ट कंसिडरेशन, होल या पार्ट कंसिडरेशन आपको अकाउंट पे ही चेक DD ECS या इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल जाता है। क्या बोला मैंने, आपको अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट या ओनर बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट तक मतलब एग्रीमेंट की डेट तक, आपको जो सेल अमाउंट का कुछ भी पार्ट या पूरा सेल अमाउंट अकाउंट पे ही चेक DD ECS या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS कैसे भी मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेना आप एग्रीमेंट के दिन की। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब लेना है आपको, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेनी है आपको, रजिस्ट्रेशन के दिन की, कब की लेनी है आपको, रजिस्ट्रेशन के दिन की आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, अगर ऐसा नहीं होता अदर केस है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको होल या पार्ट कंसिडरेशन अब ओनर बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट अकाउंट पे ही चेक DD ECS या इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल जाता है, तो आप स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब की ले लो, एग्रीमेंट के दिन की। अगर ऐसा नहीं होता, आपको मिलता ही नहीं है, तो या बाद में मिलता है, या कैश वगैरह में मिलता है, कैश, बियर चेक, क्रॉस चेक से मिलता है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लोगे, रजिस्ट्रेशन के दिन की। अब इसमें एक पॉइंट हो रहा है, ज़्यादा काम का पॉइंट नहीं है, फिर भी दे रखा है तो देख लेते हैं। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, मान लो असेसी जो है वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से एग्री नहीं करता, असेसी का मानना है कि जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ उस एरिया में इतनी वैल्यू है ही नहीं, लैंड वगैरह की, बिल्डिंग वगैरह की इतनी वैल्यू है ही नहीं जितनी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आ रखी है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू असेसी को लग रही है काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा लगता है असेसी उस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से एग्री नहीं करता और उस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं करता, किसी कोर्ट में केस भी नहीं करता या किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं करता, तो असेसी चाहे तो असेसी क्या कर सकता है, AO से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका केस, असेसी का केस डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाए। डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर कौन होता है, ये डिपार्टमेंट का ही बंदा होता है जो वैल्यूएशन करता है। तो AO चाहे तो क्या कर सकता है, असेसी के केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर करेगा क्या, वैल्यूएशन ऑफिसर असेसी के एरिया में आएगा जहां असेसी की प्रॉपर्टी है, वहां जाके वो पूछताछ करके आसपास देख के वैल्यू निकालेगा कि असेसी की प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है,
एक्चुअल वैल्यू क्या है वो निकालेगा, वैल्यूएशन अमाउंट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे वैल्यूएशन अमाउंट, वो उस एसएससी की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा। अगर एसएससी को क्या लगता है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा बता रखी है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इस एरिया की गलत है, यहाँ तो लैंड बहुत सस्ता मिलता है, यहाँ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा फालतू बता रखी है, और एसएससी उस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं करता, तो एसएससी चाहे तो एओ को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका केस डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाए। और एओ भी चाहे तो, एओ की ऐसा नहीं कि कंपलसरी एओ को करना पड़ेगा, एओ चाहे तो, एओ की इच्छा हुई तो एओ एसएससी के केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, एसएससी के एरिया में आएगा, वहां वैल्यू पूछेगा, आसपास पूछताछ करेगा और एसएससी की प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू जो निकाली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा निकाल दी, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा निकाल दी वैल्यूएशन ऑफिसर ने, एसएससी पे और जुल्म कर दिया वैल्यूएशन ऑफिसर ने, तो ऐसे केस में सेल अमाउंट क्या लोगे, सेल कंसेशन अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे खाली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, वैल्यूएशन अमाउंट को इग्नोर कर देंगे। लेकिन मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकाली, वैल्यूएशन ऑफिसर ने एसएससी की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू निकाली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकाली, तो ऐसे केस में सेल अमाउंट क्या लोगे, वैल्यूएशन अमाउंट और जो सेल प्राइस एसएससी ने बताई थी, जो सेल प्राइस एसएससी ने बताई थी, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो सेल कंसेशन मानेंगे, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो क्या मान लेंगे, सेल कंसेशन मान लेंगे। जैसे कोई एग्जांपल से समझाता अपन, सेल प्राइस एसएससी ने बताई अपनी प्रॉपर्टी की 50 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 80 लाख, एसएससी ने एओ से रिक्वेस्ट करी उसका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाए, एओ ने रेफर कर दिया वैल्यूएशन ऑफिसर को, वैल्यूएशन ऑफिसर वहां गया वैल्यू कैलकुलेट करके आया, पहले केस में उसने वैल्यू कैलकुलेट करी मान लो 85 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा कैलकुलेट कर दी, वैल्यूएशन ऑफिसर कोई हरामी टाइप का इंसान था बेचारे ने, उस पर उसने एसएससी पे बेचारे एसएससी पे काफी ज्यादा जुल्म कर दिया, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू बता दी, तो सेल कंसेशन क्या लोगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं लेंगे कभी भी, कितने लेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे 80 लाख लेंगे। लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या किया, वैल्यूएशन जो करी 60 लाख की करी, अच्छा इंसान था वो, उसने वैल्यू कितनी करी 60 लाख की करी, एसएससी के अकॉर्डिंग अच्छा इंसान होगा वो, तो 60 लाख की उसने वैल्यू करी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 60 लाख और सेल प्राइस जो एसएससी ने बताई थी, इन दोनों में से जो भी हायर है वो सेल कंसेशन मान लेंगे। तीसरा केस, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बताई 48 लाख, एसएससी ने 50 लाख बता रखी है, उसने वैल्यूएशन ऑफिसर तो और भी अलग निकला, उसने तो 48 लाख ही बोल दी वैल्यू, जितनी एसएससी ने बताई उससे कम बता दी वैल्यू, तो ऐसे केस में सेल कंसेशन क्या लोगे, वैल्यूएशन अमाउंट और सेल प्राइस भी चढ़ जाए, मतलब जितना एसएससी ने बताया कम से कम उतना तो लेंगे ही, कम से कम उतना तो अपन लेंगे। ये था रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर वाला पॉइंट जो अपन ने देख लिया। अगला केस था सेक्शन 50CA, अनलिस्टेड शेयर की अगर आप सेल करते हो, अनलिस्टेड शेयर्स की सेल करते हो तो सेल कंसेशन क्या लोगे, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में सेल कंसेशन क्या लेंगे, एफएमवी और सेल प्राइस विच एवरेज हायर, एफएमवी और सेल प्राइस विच एवरेज हायर, ये हो जाएगा अनलिस्टेड शेयर्स के केस में सेल कंसेशन। लिस्टेड शेयर्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, लिस्टेड शेयर के केस में जो भी सेल प्राइस होगी वही सेल कंसेशन होगा, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स के केस में आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, बैंक के थ्रू सेल होगा, बैंक के थ्रू आप परचेज करते हो, सारे काम बैंक के थ्रू होते हैं, वहाँ कुछ फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स में फर्जीवाड़ा हो सकता है, कुछ भी दिखा सकते हो आप, तो सेल कंसेशन क्या मानेंगे, एफएमवी और सेल प्राइस विच एवरेज हायर। अगला बता रखा है, कोई ऐसा केस हो जाता है मान लो आप सेल प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो सेल कंसेशन क्या ले लेंगे अपन, सेक्शन 50D बोलता है उस असेट की एफएमवी ले लो ट्रांसफर के दिन की, उस असेट की जो भी एफएमवी है ट्रांसफर के दिन की वही क्या मान लो, सेल कंसेशन मान लो अगर आप सेल अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो। अब आगे बता रखा है ट्रांसफर एक्सपेंस, सेल कंसेशन देख लिया उस टेबल में, दूसरा पॉइंट था ट्रांसफर एक्सपेंस, सेल कंसेशन में अपन क्या लेस कर देते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस। अभी ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होते हैं, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते वक्त जो भी खर्चे लगे आपके, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते वक्त सेलर के जो भी खर्चे लगे वो होते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस, वो होते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस। जैसे मान लो कैपिटल सेट आपने ट्रांसफर किया, लैंड वगैरह बिल्डिंग वगैरह, आपको कोई कमीशन वगैरह देना पड़ गया, ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ गया, तो सब क्या होते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस होते हैं। अब ट्रांसफर एक्सपेंस से आपको डिडक्शन मिल जाता है, सेल कंसेशन से अपन लेस कर देते हैं, लेकिन एक खर्चे का नहीं मिलता, एसटीटी का, एसटीटी आपने पे किया, एसटीटी मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप शेयर सेल कर रहे हो, लिस्टेड शेयर्स हैं आपके ऊपर एसटीटी लगा, तो एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी कोई भी खर्चा किया आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते वक्त, ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो भी खर्चा किया सेलर ने उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ट्रांसफर के खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, और ट्रांसफर के खर्चे लेस करते ही क्या आ जाएगा, नेट सेल कंसेशन, लेकिन एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये था ट्रांसफर एक्सपेंस। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, उस टेबल में आया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब नॉर्मल क्या होता है परचेज प्राइस, जितने में आपने एसेट परचेज किया था वही क्या होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और परचेज करते वक्त जो भी आपके खर्चे लगे थे ब्रोकरेज का, कमीशन का, जो भी खर्चा लगा था, रजिस्ट्री वगैरह का जो भी खर्चा लगा था, वो अपन सारा इंक्लूड कर लेते हैं परचेज प्राइस में, सारा का सारा इंक्लूड कर लेते हैं एक को छोड़ के, एसटीटी। मान लो आपने परचेज किए थे लिस्टेड शेयर्स, तब आपने एसटीटी पे किया था, परचेज करते वक्त आपने एसटीटी पे किया था, तो वो भी खर्चा है, एसटीटी का खर्चा हुआ है, वो अपन परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एसटीटी का ऐसा खर्चा है परचेज करते वक्त लगता है तो भी इग्नोर करेंगे, और सेल करते वक्त लगता है तो भी इग्नोर कर देंगे, एसटीटी को परचेज करते वक्त लगता है तो भी इग्नोर करेंगे, और सेल करते वक्त लगता है तो भी इग्नोर कर देंगे कैपिटल असेट के केस में। आगे बता रखा है, इसमें एक नोट दे रखा है, आपने प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल लेने के लिए कोई अमाउंट पे किया, मान लो कोई प्रॉपर्टी थी जो आपने खरीदी थी उस पर कोई लोन बकाया था, आपने उस लोन को चुका दिया, क्लियर टाइटल लेने के लिए आपने कुछ अमाउंट पे कर दिया, लोन चुका दिया, तो वो भी क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट माना जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस दे रखे हैं, स्पेशल केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे ध्यान से देख लेना एक बार। पहला केस है, अगर असेट आपकी प्रॉपर्टी कैसे बना, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया,
आपको असेट प्रॉपर्टी कैसे बना, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया तो अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ओनर ने जितने में परचेज किया था या तो वो ले लेंगे, अगर असेट वाला केस है तो प्रीवियस असेट जितने में आपने परचेज किया था वो परचेज प्राइस अपन ले लेंगे। जैसे मैं ऊपर आपको ले चलूँ एक बार, तो अपन ने यहाँ देखा था ऐसा ट्रांजेक्शन जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, एक गिफ्ट वाला देखा था, एक कन्वर्जन वाला देखा था। तो मिस्टर श्याम ने गिफ्ट दे दी प्रॉपर्टी मिस्टर मोहन को, मिस्टर मोहन को गिफ्ट दे दी और मिस्टर मोहन ने इसको मिस्टर रोहित को सेल कर दिया। मिस्टर मोहन को असेट कैसे मिला, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, फ्री में मिला उसको गिफ्ट, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो लगेगा, जीरो नहीं लेना अपन को, परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर की परचेज प्राइस लेंगे। प्रीवियस ओनर मिस्टर श्याम ने कितने में परचेज की थी, 50 लाख, 50 लाख क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 50 लाख क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसे ही देखो नीचे दे रखा है, मिस्टर ए ने डिबेंचर परचेज किए थे, उसने उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया, अब वो शेयर सेल कर रहा है, तो उसकी जो शेयर है शेयर कैसे मिले थे उसको, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया था तभी तो शेयर मिले थे मिस्टर ए को, अब वो शेयर सेल कर रहा है, शेयर तो उसको किसके बदले में मिले थे, डिबेंचर के बदले में, तो शेयर्स की परचेज प्राइस क्या लोगे, क्या लोगे बताओ, प्रीवियस असेट की परचेज प्राइस, प्रीवियस असेट की परचेज प्राइस, प्रीवियस असेट क्या था, डिबेंचर, डिबेंचर की परचेज प्राइस क्या है, 20 लाख, 20 लाख ले लेंगे आप। यहाँ क्या ले लेंगे दूसरे वाले केस में, 20 ले शेयर्स के लिए, जो डिबेंचर की परचेज प्राइस है वही क्या ले लेंगे, शेयर्स के लिए परचेज प्राइस ले लेंगे। तो परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस ओनर या परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस असेट अपन ले लेंगे, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन से अगर आपकी प्रॉपर्टी बनी है असेट। तो आगे बता रखा है दूसरा केस, गुडविल है बिजनेस की है चाहे प्रोफेशन की है, इसमें भी एक अमेंडमेंट आया है, पहले गुडविल क्या थी, प्रोफेशन की जो गुडविल होती थी सेल्फ जनरेटेड होती थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती थी प्रोफेशन की, उस पर कैपिटल गेन नहीं बनता था, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहता था, कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता था, एक केस होता, लेकिन अब उसको हटा दिया गया, अब क्या है, गुडविल है बिजनेस या प्रोफेशन की, कोई भी गुडविल है चाहे बिजनेस की है चाहे प्रोफेशन की है, चाहे गुडविल बिजनेस की है चाहे प्रोफेशन की है, ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, स्टेज परमिट लूम आउट्स, गुडविल चाहे बिजनेस की प्रोफेशन की है, ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, स्टेज परमिट लूम आउट्स, एक तरीके से इंटेंजिबल असेट बता रखे। अगर ये सेल्फ जनरेटेड है, आपने इनको सेल्फ जनरेट किया है तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, सेल्फ जनरेट किया है आपका कोई खर्चा नहीं आया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, नील लोगे। लेकिन अगर आपने इसको किसी से परचेज किया था, गुडविल बिजनेस की प्रोफेशन की ब्रांड नेम वगैरह ट्रेडमार्क वगैरह किसी से परचेज किया था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। इसमें एक और अमेंडमेंट आया गुडविल के रिगार्डिंग, अगर मान लो गुडविल आपने परचेज करी थी बुक्स में दिखाई थी और उस गुडविल पे पहले आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा था, उस गुडविल पे आपने पहले डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, क्या होगी, परचेज प्राइस माइनस जितना डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर रखा था वो लेस कर देना। मान लो 50 लाख की गुडविल परचेज करी थी आपने और उस पर अभी तक आपने 10 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा था, 10 लाख लेस कर देना, 40 लाख क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये बता रखा था। तो गुडविल चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, गुडविल चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, स्टेज परमिट लूम आउट्स, सेल्फ जनरेटेड है, नील, अगर परचेज है तो परचेज प्राइस। अगर गुडविल पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा था परचेज वाली पे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अगला बता रखा बोनस शेयर्स, बोनस शेयर आपको कैसे मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, आपके पास पहले से कंपनी के शेयर थे, कंपनी ने आपको फ्री में उनके बदले में बोनस शेयर और अलॉट कर दिए, तो बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकी एक तरीके से क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन इसमें बता रखा है अगर आपको बोनस शेयर कब मिले, 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले, बोनस शेयर कब मिले, 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हैं तो इनकी एफ एम वी ले लेना एज ऑन 1 अप्रैल 2001, इनकी क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, एफ एम वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। अगर आपको बोनस शेयर कब मिले, 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद मिले, 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद मिले तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी बोनस शेयर की, नील होगी, क्योंकि फ्री में मिलते तो नील होगी। लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले तो आप इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले सकते हो, एफ एम वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। अगला बता रखा है स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कम रेट में शेयर्स इशू कर देती है तो उनके लिए, अब एम्प्लॉई वो शेयर्स मान लो बाद में बेच रहे हैं तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, एफ एम वी ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, उन शेयर्स की जो एफ एम वी थी जब उन एम्प्लॉइज ने उन शेयर्स को खरीदा था उस दिन की जो एफ एम वी थी उस एफ एम वी को अपन क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। अगला है राइट शेयर, राइट शेयर के केस में अगर राइट शेयर क्या होता है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कंपनी राइट ऑफर देती है, राइट शेयर्स का इशू लाती है, राइट ऑफर देती है कि चाहें तो वो कंपनी के शेयर्स में सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो अगर राइट शेयर किसी एसएससी को मिला, राइट शेयर उसने परचेज कर लिए तो राइट शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, परचेज प्राइस हो जाएगी। लेकिन मान लो राइट शेयर का ऑफर मिला किसी एसएससी को, उसने राइट शेयर परचेज नहीं किया, उसने राइट ऑफर को, जो राइट ऑफर मिला था उसको सेल कर दिया किसी अदर पर्सन को, उस राइट ऑफर को रिनाउंस कर दिया, सेल कर दिया। राइट का ऑफर किसको मिलता है, कंपनी के शेयर होल्डर को, तो किसी कंपनी के शेयर होल्डर को राइट का ऑफर मिला था, उसने उस राइट के ऑफर को किसी थर्ड पर्सन को, किसी भारी आदमी को सेल कर दिया, राइट के ऑफर को 10 रुपये में, 50 रुपये में, जितने रुपये में सेल किया सेल कर दिया। तो बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी उस राइट के ऑफर की, नील होगी, क्योंकि राइट का ऑफर कैसे मिला था, कंपनी का शेयर होल्डर है, फ्री में मिला था उसको तो राइट का ऑफर, तो राइट के ऑफर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, नील होगी। अगला डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट क्या होते हैं, बिजनेस के जो भी एसेट होते हैं लैंड को छोड़ के, बिजनेस के जो भी कैपिटल एसेट होते हैं लैंड को छोड़ के, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई,
या इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए या फर्नीचर वगैरह हो गए, सब क्या होते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। तो डेप्रिशिएबल एसेट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, WDV, क्या लोगे WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू। रिटर्न ऑन वैल्यू लोगे और रिटर्न ऑन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन PGBP हेड में सीखेंगे। WDV अपन इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देंगे। अगला दे रखा है, अगर आपने एसेट परचेज कैसे कब किया था, 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया था। आपने एसेट कब परचेज किया था, 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया था। तो ऐसे केस में एक ऑप्शन दे रखा है आपको, उस असेट की आप FMV ले लो एज ऑन 1 अप्रैल 2001, उस असेट की FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और जितने में आपने असेट परचेज किया था उससे कंपेयर कर लो और उन दोनों में से जो भी हायर है वो कॉस्ट ले लो। मान लो उस असेट की FMV थी 50 लाख की, आपने परचेज किया था 1990 में 20 लाख में, तो 20 लाख और 50 लाख हायर क्या है, 50 लाख। 50 लाख क्या बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अगर मान लो प्रीवियस ओनर ने 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया था तो भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस ओनर विच एवरेज हायर। आगे इसमें एक नोट दे रखा है लैंड और बिल्डिंग के लिए, ध्यान से देखना ये नोट क्या है। लैंड और बिल्डिंग के लिए नोट है कि लैंड और बिल्डिंग के केस में जो FMV है ना एज ऑन 1 अप्रैल 2001 की FMV जो है ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लैंड और बिल्डिंग के केस में 1 अप्रैल 2001 की जो FMV है, 1 अप्रैल 2001 की FMV जो है वो 1 अप्रैल 2001 की उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो FMV है लैंड और बिल्डिंग की, लैंड और बिल्डिंग के लिए केस 10 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है मान लो 8 लाख, ऐसा केस है। कब की बता रखी है, 1 अप्रैल 2001 की। तो ऐसा केस है अगर, तो क्या होगा अगर ऐसा केस है तो अपन इस FMV को इग्नोर कर देंगे और कंपेयर क्या करेंगे, SDV और परचेज प्राइस विच एवरेज हायर, SDV और परचेज प्राइस विच एवरेज हायर। अगर FMV स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा बताइए, आपने FMV स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा बताइए तो अपन FMV को इग्नोर करेंगे और कंपेयर क्या करेंगे फिर, SDV और परचेज प्राइस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए क्या करेंगे, SDV और परचेज प्राइस। तो उस असेट की FMV स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा है तो कंपेरिजन फिर किससे होगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेरिजन होगा। ये इसमें बता रखा लैंड और बिल्डिंग के लिए, ओनली लैंड और बिल्डिंग के लिए। अगला पॉइंट बता रखा, पॉइंट नंबर 8, स्पेशल पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8 क्या हुआ, डीमर्जर हुआ तो रिजल्टिंग कंपनी ने क्या किया, डीमर्ज कंपनी के शेयर्स के बदले में खुद के शेयर इशू कर दिए, बताओ ट्रांसफर होता है, नहीं होता ट्रांसफर। अपने ऊपर देखा था सेक्शन 47 लग जाता है, ट्रांसफर नहीं माना जाता। अब डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी ने खुद के शेयर इशू कर दिए, अब वो शेयर होल्डर क्या कर रहा है, आगे जाके उन शेयर्स को सेल कर रहा है, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स को वो शेयर होल्डर सेल कर रहा है, वो तो ट्रांसफर होगा, आगे जाके अब सेल करेगा तो ट्रांसफर होगा। तो अब उस शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी के शेयर कैसे मिले थे, फ्री में तो मिले थे, किसके बदले में मिले थे, डीमर्ज कंपनी के शेयर्स के बदले में मिले थे। तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, तो उसका एक स्पेशल तरीका दे रखा है। अपन परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस एसेट नहीं लेंगे यहाँ पे, यहाँ एक स्पेशल तरीका दे रखा है डीमर्जर वाले केस में। क्या तरीका दे रखा है, सबसे पहले तो आप क्या लो, डीमर्ज कंपनी में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, मतलब डीमर्ज कंपनी के शेयर जितने में उसने परचेज किए थे, परचेज प्राइस ऑफ डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर ने जो डीमर्ज कंपनी के शेयर परचेज किए थे वो परचेज प्राइस ले लो, इनटू कर दो डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को जो असेट ट्रांसफर किए थे, उसकी नेटवर्क वैल्यू से डिवाइड कर दो, डीमर्ज कंपनी की जो नेटवर्क थी उसे डिवाइड कर दो, इस अकॉर्डिंग क्या जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, एक कंपनी हीरो लिमिटेड, मिस्टर रौनक ने इसके 10 लाख रुपए के शेयर परचेज किए थे, 10 लाख रुपए के शेयर परचेज किए थे। इस हीरो लिमिटेड की नेटवर्थ दे रखी है आपको 50 करोड़ की। इस हीरो लिमिटेड ने अपनी एक यूनिट का डीमर्जर किया और एक हीरोइन लिमिटेड नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिया डीमर्जर करके। हीरो लिमिटेड काफी सारे काम करती थी, मान लो मशीन भी बनाती थी, इक्विपमेंट भी बनाती थी और भी काफी सारे काम करती थी। तो एक यूनिट का डीमर्जर करके इसने हीरोइन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। अब डीमर्जर के अंदर इसने हीरो लिमिटेड ने क्या किए, 10 करोड़ रुपए के असेट हीरोइन लिमिटेड को ट्रांसफर किए। तो 10 करोड़ के जो असेट ट्रांसफर किए, बताओ ट्रांसफर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। डीमर्जर में जो ट्रांसफर होता है ट्रांसफर नहीं माना जाता। अब क्या हुआ, हीरोइन लिमिटेड जो रिजल्टिंग कंपनी है, इसने क्या किया, मिस्टर रौनक को ने डीमर्ज कंपनी का शेयर होल्डर है, इसको शेयर इशू किए डीमर्ज कंपनी के शेयर्स के बदले में 8 लाख रुपए के FMV के। तो जो 8 लाख रुपए के शेयर मिले मिस्टर रौनक को डीमर्ज कंपनी के शेयर्स के बदले में रिजल्टिंग कंपनी के जो शेयर मिले, मतलब ट्रांसफर माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब मिस्टर रौनक ने क्या किया, उसको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिल गए 8 लाख के FMV के। मिस्टर रौनक ने इसको आगे जाके 12 लाख में पवन को बेच दिया, 12 लाख में पवन को बेच दिया। अब पवन को बेचा मिस्टर रौनक ने 12 लाख में, तो अब तो ट्रांसफर माना जाएगा, तो सेल अमाउंट तो ले लोगे 12 लाख। कोस्ट कैसे निकालोगे, डीमर्ज कंपनी के शेयर्स के बदले में इसको जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिले थे 8 लाख के FMV के, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले मिस्टर रौनक ने जो डीमर्ज कंपनी के शेयर जितने में परचेज किए थे, कितने में किए थे, 10 लाख ले लो, इनटू कर दो जितना असेट डीमर्ज ने रिजल्टिंग को ट्रांसफर किया था उसकी बुक वैल्यू से, कितना हुआ था 10 करोड़ का, इनटू 10 करोड़, और नेटवर्थ कितनी थी डीमर्ज कंपनी की उसे डिवाइड कर दो, 50 करोड़ थी, 50 से डिवाइड कर दिया, इस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इस अकॉर्डिंग आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स कर देंगे, शॉर्ट टर्म में तो ऐसे ही चलने देंगे। ये था एक 8 केस
तो टोटल स्पेशल केस सारे देख लिए अपन ने कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, एक बार फिर से देख लो क्या होता है नॉर्मल परचेज प्राइस से लेंगे और परचेज की रिगार्डिंग जो भी खर्चा हुआ एसटीडी को छोड़ के सारा ले लेंगे। अगर आपने क्लियर टाइटल लेने के लिए, प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल लेने के लिए कोई पेमेंट किया है, वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कवर करेंगे। अब स्पेशल केस में दे रखा है, अगर कोई असेट आपकी प्रॉपर्टी कैसे बना, ऐसे ट्रांजेक्शन बना जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो प्रीवियस ओनर की परचेज प्राइस लेंगे या प्रीवियस असेट की परचेज प्राइस ले लेंगे। अगला बता रखा है गुडविल ऑफ बिजनेस है, प्रोफेशन है, ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग है, स्टेज परमिट लूम ओवर्स है, सेल्स जनरेटेड है नील मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज है तो परचेज प्राइस मान लेंगे। इसके बाद बता रखा है बोनस शेयर्स के केस में, अगर आपको अलॉट कब हुए हैं, 1 अप्रैल 2001 से पहले अलॉट हुए हैं तो इनके एफएम भी ले लेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2001। अगर वो अलॉट बाद में हुए हैं 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी नील। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी एफएम भी। राइट शेयर्स के केस में राइट अगर एसएससी परचेज कर लेता है तो परचेज प्राइस, राइट ऑफर को सेल कर देता है तो नील। डेप्रिसिएबल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी डब्ल्यूडीवी। अगर आपने असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया है तो एफ एम बी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और परचेज प्राइस से कंपेयर करो, इन दोनों का हायर ले लो। लेकिन लैंड और बिल्डिंग के केस में एक स्पेशल चीज़ हो रहा है, अगर आपकी एफ एम बी जो है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, एफ एम बी जो 1 अप्रैल 2001 की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो फॉर्मूला क्या करेंगे अपन, एस डी बी और परचेज प्राइस विच एवरी ज्यादा, एस डी बी और परचेज प्राइस विच एवरी हायर। आगे बता रखा है रिजल्टिंग कंपनी डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला दे रखा है परचेज प्राइस इन डिमर्ज कंपनी इनटू जो असेट ट्रांसफर की है डिमर्ज कंपनी ने, डिवाइड कर दो नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी से। इसके बाद देखा अपन ने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख लिया, इंडेक्स कैसे करोगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करना पड़ेगा, तो पहले तो निकालो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आगे डिवाइड करो इंडेक्स फॉर ईयर इन विच असेट इज फर्स्ट टेल्ड बाई दी एसएससी, जब एसएससी ने उस असेट को फर्स्ट टेल्ड किया था, फर्स्ट टेल्ड मतलब जब उस एसएससी ने उस असेट को जिस ईयर में परचेज किया था या फर्स्ट टेल्ड किया था उस प्रीवियस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो एसएससी ने असेट फर्स्ट टेल्ड किया था, परचेज किया था 2005-06 में, तो 5-06 में परचेज किया था तो फर्स्ट टेल्ड कब किया होगा, जब परचेज किया तभी तो फर्स्ट टेल्ड होता है, परचेज मतलब वो फर्स्ट टेल्ड मतलब लगभग सेम ही होता है, तो फर्स्ट टेल्ड किया था 2005-06 में, तो 2005-06 के इंडेक्स डिवाइड कर दिया। इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर जिस ईयर में सेल किया, मान लो 21-22 में सेल किया, प्रीवियस ईयर 21-22 में सेल किया, तो 21-22 के इंडेक्स इंटू कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसमें एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है मंजुल अजय शाह का। अब मान लो कोई केस क्या है, केस क्या है, प्रीवियस ओनर वाला केस, प्रीवियस ओनर वाला केस है, मैं आपको एक बार ऊपर ले चलता हूं तब आपको समझ में आएगा प्रीवियस ओनर वाला क्या केस है। यहां आ गया मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग वाले एग्जांपल में। देखो मिस्टर श्याम ने बिल्डिंग परचेज करी थी 2005 में 10 अगस्त 2005 में 50 लाख रुपए की। इसने गिफ्ट दी मिस्टर मोहन को अपने बेटे को 5 जुलाई 2012 को। गिफ्ट देना ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर नहीं माना गया। मिस्टर मोहन ने 30 जनवरी 2022 को ये सेल कर दी बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग थी उसको सेल कर दिया मिस्टर रोहित को 2 करोड़ रुपए में, 2 करोड़ का सेल ले लिया आपने। अब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालोगे कब से लोगे, 2005 से लेकर के 2022 तक का लोगे, प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इंक्लूड करोगे, लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म है। अब इंडेक्स करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, प्रीवियस ओनर की ले लोगे 50 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे दिया आपने। इस एग्जांपल की बात करें तो 50 लाख आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ली। अब इंडेक्स करोगे, इंडेक्स डिवाइड किससे करोगे और इनटू कैसे करोगे, इंडेक्स का इनटू तो कैसे कर दोगे, ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स से, ट्रांसफर कब हो रहा है 21-22 में, तो 21-22 के इंडेक्स से इनटू कर देंगे। ये तो इनटू 21-22 का जो इंडेक्स है 317 है उससे इनटू कर देंगे। डिवाइड कौन से ईयर के इंडेक्स से करेंगे, यहाँ दो केस है। पहला तो क्या बोलता है, प्रोविजन तो क्या बोलता है, जिस ईयर में एसएससी ने उस प्रॉपर्टी को फर्स्ट हेल्ड किया था, फर्स्ट हेल्ड मिस्टर मोहन ने बताओ इस बिल्डिंग को फर्स्ट हेल्ड कब किया था, उसको गिफ्ट कब मिला था, 5 जुलाई 2012 को मिला था, तो फर्स्ट हेल्ड कब किया था, उसके पास प्रॉपर्टी कब आई थी, पहले तो उसके बाप की प्रॉपर्टी थी, उसके पिता की प्रॉपर्टी थी, पापा की प्रॉपर्टी थी, तो बाद में प्रॉपर्टी कब आई थी उसके पास, 5 जुलाई 2012 को प्रॉपर्टी आई थी। मिस्टर मोहन ने फर्स्ट हेल्ड कब किया था, 5 जुलाई 2012, तो प्रीवियस ईयर 2012-13 प्रीवियस ईयर 2012-13 तो 12-13 के इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। ये तो बोलता है प्रोविजन कि फर्स्ट हेल्ड से डिवाइड करो, फर्स्ट हेल्ड एक तरीके से परचेज ही होता है, परचेज वाले केस है तो परचेज ईयर ही होता है फर्स्ट हेल्ड ईयर, लेकिन ये गिफ्ट वाला केस था, मतलब ये ऐसा केस है जिसमें प्रॉपर्टी एसएससी की कैसे बनी, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया, तो ऐसे केस में अब डिवाइड किससे करोगे, तो एक तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो आप किसे डिवाइड कर दो, जिस ईयर में एसएससी ने उसको फर्स्ट हेल्ड किया था, एसएससी मतलब जो उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसने फर्स्ट हेल्ड किया था, तो 12-13 के इंडेक्स से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन एक केस लो है मंजुला जयशाह का हाई कोर्ट का, वो बोलता है आप ऐसे केस में चाहो तो क्या कर सकते हो, जब प्रीवियस ओनर ने परचेज किया था, प्रीवियस ओनर ने जब परचेज किया था उस ईयर के इंडेक्स से भी डिवाइड कर सकते हो। प्रीवियस ओनर मिस्टर श्याम ने कब परचेज किया था, मोहन के पापा ने कब परचेज किया था, 2005-06 के इंडेक्स से भी आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। तो किसी से भी करो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। इंस्टीट्यूट दोनों आंसर लेता है, फर्स्ट आंसर एज पर प्रोविजन लेता है, प्रोविजन मतलब फर्स्ट हेल्ड वाला, और सेकंड आंसर क्या लेता है, मंजुला जज शाह वाला जो केस लो है उसके अकॉर्डिंग आंसर लेता है। ये एक स्पेशल पॉइंट था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, अगर ये प्रीवियस ओनर वाला केस है तो प्रीवियस ओनर वाले केस में ये पॉइंट आता है। अब अपन नीचे आ जाते हैं वापस।
अब इसमें बता रखा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन आपको दो याद रखने हैं, एक तो प्रीवियस ईयर 2001 और 2 का याद रखना है, ये बेस ईयर है 100, इससे पहले का कोई इंडेक्स नहीं है, प्रीवियस ईयर 2001 2 का आपको याद रखना है 100, और एक प्रीवियस ईयर 2021 22 करंट ईयर, करंट ईयर एक तरीके से ज्यादातर केस में क्या होगा ट्रांसफर ईयर होगा, ये 317 इसका 317 ये ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स होगा एक तरीके से। अब इसमें बता रखा अगर आपने मान लो असेट कब परचेज किया है, 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया, 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया, पहले का इंडेक्स ही नहीं है, स्टार्ट कब से हो रहे हैं 2001 2 से स्टार्ट होने 100 का इंडेक्स यहाँ है, तो क्या करोगे, तो डिवाइड किससे करोगे, फर्स्ट टेल ईयर या परचेज ईयर डिवाइड किससे करोगे, तो इंडेक्स फॉर फर्स्ट टेल ईयर परचेज ईयर क्या लोगे, इंडेक्स फॉर बेस ईयर क्या लोगे, 2001 2 के इंडेक्स डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे 100 से, क्योंकि इससे पहले का इंडेक्स ही नहीं है, मान लो आपने 1980 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और आप 2022 में सेल कर रहे हो, तो डिवाइड कैसे करोगे 100 से, कैसे करोगे 100 से। आगे बता रखा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उस टेबल में अपन ने एक देखा था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है, आपने कैपिटल असेट पे कैपिटल नेचर का कोई भी खर्चा किया, कैपिटल असेट के इंप्रूवमेंट पे, कैपिटल असेट के इंप्रूवमेंट पे कैपिटल नेचर का कोई भी खर्चा किया वो होती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, चाहे एसएससी ने किया हो चाहे प्रीवियस ओनर ने किया हो, चाहे एसएससी ने किया हो चाहे प्रीवियस ओनर ने किया हो, लेकिन कब किया, 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद किया, 1 अप्रैल 2001 से पहले किया तो उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद किया तो कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा किया कैपिटल असेट के इंप्रूवमेंट पे, चाहे एसएससी ने किया चाहे प्रीवियस ओनर ने, वो होती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये मेनली किस पे होती है, लैंड बिल्डिंग के केस, बिल्डिंग में जैसे मान लो आपने ग्राउंड फ्लोर से आपने एक फर्स्ट फ्लोर बनवा दिया, सेकंड फ्लोर बनवा दिया, या बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया, ये सब क्या होते हैं कैपिटल नेचर के खर्चे, बिल्डिंग पे रिपेयर करवाया वो होता है क्या, वो नहीं होगा, कलर करवाया बिल्डिंग का वो भी नहीं होगा, कैपिटल नेचर का खर्चा करना है, बिल्डिंग में मान लो एक कमरा और बनवा दिया या एक फ्लोर बनवा दिया, बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया, ये सब होते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मेनली किसके होते हैं ये लैंड और बिल्डिंग के, बाकी किसी के नहीं होते, गुडविल वगैरह के किसी के नहीं होते, ये चीज़ें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेनली किसके होते हैं लैंड और बिल्डिंग के। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आपने 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद किए, चाहे एसएससी ने किया चाहे एसएससी के प्रीवियस ओनर ने किए, वो अपन कंसीडर कर लेंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले किया तो उसको इग्नोर कर देंगे। आगे बता रहा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्स कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लो, अगर लॉन्ग टर्म असेट है, असेट अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लो, डिवाइड कर दो इंडेक्स फॉर इंप्रूवमेंट ईयर और इंटू कर दो इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर, इंटू कर दो इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर, बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जितना भी किया आपने कैपिटल नेचर का खर्चा, मान लो 5 लाख का किया 5 लाख ले लो, डिवाइड कर दो इंप्रूवमेंट ईयर से, इंप्रूवमेंट ईयर के इंडेक्स से, और इंटू कर दो इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर। और इंडेक्स कब होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, अगर असेट लॉन्ग टर्म है, अपन ये नहीं देखेंगे इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म, अपन देखेंगे असेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, मान लो आपने बिल्डिंग परचेज की थी 2013 में बिल्डिंग परचेज की थी और 2022 में आप उसको सेल कर रहे हो, लॉन्ग टर्म हो गया, आपने मान लो इंडेक्स आपने जो इंप्रूवमेंट करवाया वो मान लो करवाया 2021 में, 2021 में इंप्रूवमेंट करवाया, आप कुछ लोग सोचते हैं कि लास्ट ईयर इंप्रूवमेंट करवाया था तो इंडेक्स करेंगे क्या, हाँ करेंगे, अपन देखेंगे असेट, असेट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, ये नहीं देखेंगे इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इंप्रूवमेंट को नहीं देखेंगे अपन, असेट को देखेंगे, इंप्रूवमेंट चाहे आपने लास्ट ईयर ही करवाया हो फिर भी अपन इंडेक्स करेंगे अगर असेट लॉन्ग टर्म है तो, अगर असेट लॉन्ग टर्म असेट है तो अपन इंप्रूवमेंट का क्या करेंगे इंडेक्स करेंगे, इंप्रूवमेंट का इंडेक्स करेंगे, ऐसा मत सोच लेना कि लास्ट ईयर इंप्रूवमेंट करवाया तो इंप्रूवमेंट तो शॉर्ट टर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचते, इतना डिटेल में मत सोच लेना, अपन तो सीधा इंडेक्स कर देंगे अगर असेट लॉन्ग टर्म है। ये थे उस टेबल में जो भी चीज़ें आ रही थी, वो टेबल देख लो एक बार आप फिर से, ये थी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो जो चीज़ें आ रही थी अपन ने सारी कवर कर ली, नीचे लाइन से कवर कर ली ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, लाइन से अपन ने कवर करी, सेल करा पहले कवर, फिर ट्रांसफर एक्सपेंस करे, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करी, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करी, फिर और फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करी, और वो टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपन आते हैं स्पेशल केस, कैपिटल गेन इन स्पेशल केस, मैंने बताया था कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें आप सेल नहीं कर रहे फिर भी ट्रांसफर माने जाते हैं, ट्रांसफर की डेफिनेशन में बताया था मैंने, कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो गया या कैपिटल असेट का आपने स्टॉक में कन्वर्जन कर दिया, कंपनी का लिक्विडेशन वगैरह हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रिकंस्टिट्यूशन वगैरह पे, या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, ये काफ़ी सारे स्पेशल केस है, इनमें कैपिटल गेन कैसे निकालोगे वो एक एक करके अपन देख लेते हैं। पहला केस दे रखा है आपका कोई कैपिटल असेट था जो डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से बदले में आपको अमाउंट या अदर असेट मिला, सेक्शन 45(1)(a) लग जाएगा, सेल अमाउंट क्या लोगे, सेल तो किया नहीं आपने, सेल अमाउंट क्या लोगे, सेल कंसेशन, इंश्योरेंस कंपनी से जो भी अमाउंट मिला या कोई असेट मिला अगर इंश्योरेंस कंपनी से तो उसका एफएमवी ले लेंगे, ये हो जाएगा सेल कंसेशन। कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होगा, जब आपको क्लेम मिलेगा, क्लेम मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, जब असेट डिस्ट्रॉय हुआ तब नहीं होगा, असेट डिस्ट्रॉय हुआ तब तो आप वैसे दुखी हो, गवर्नमेंट आपको और दुखी नहीं करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी जब आपको क्लेम मिलेगा तब हम टैक्सेबल करेंगे, लेकिन ट्रांसफर कब हो गया था, जब असेट डिस्ट्रॉय हो गया ट्रांसफर तो तभी हो गया था, तो इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर लोगे अगर आप इंडेक्स करोगे, लॉन्ग टर्म असेट है इंडेक्स करोगे तो इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर क्या होगा, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या होगा ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और लास्ट पता रखा है अगर आपको क्लेम नहीं मिलता तो क्या आएगा, कैपिटल लॉस आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लेम नहीं मिलता सेल अमाउंट जीरो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी है तो नेगेटिव आएगा, तो ये बोलते हैं अगर क्लेम नहीं मिलता तो कोई कैपिटल गेन तो होगा नहीं, हम उसको डेड लॉस मान लेंगे, अगर नेगेटिव लॉस आता है उसको डेड लॉस मानेंगे, मतलब उस लॉस का आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो लॉस आपका डूब गया अगर क्लेम नहीं मिलता तो, आपको ये और बोलते हैं, इतने चालाक लोग हैं ये इनकम टैक्स वाले। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं
कैपिटल साइड को आपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, सेक्शन 45 टू लगेगा, सेल अमाउंट क्या लोगे, कन्वर्जन किया आपने, सेल तो किया ही नहीं, तो उस कैपिटल सेट की जो एफ एम बी थी, कन्वर्जन के दिन की जो एफ एम बी थी वो क्या बन जाएगा, सेल कंसेशन। टैक्सेबल कब होगा कैपिटल गेन, जब वो स्टॉक सेल होगा, जब आप स्टॉक सेल करोगे ना, जो स्टॉक आपने कैपिटल सेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, जब आप बिजनेस के स्टॉक को सेल कर दोगे तब टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल तब होगा। अब इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर क्या लोगे, आपने जब कन्वर्जन किया था, ट्रांसफर तो तभी हो गया था, तो इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर लेना है आपको, तो क्या लोगे, ईयर ऑफ कन्वर्जन, ईयर ऑफ कन्वर्जन। अगर आपको लॉन्ग टर्म असेट है, इंडेक्स करना है, तो ईयर ऑफ कन्वर्जन से इंटू करोगे। इसके बाद बिजनेस इनकम भी बनेगी यहाँ पे, सेल अमाउंट ऑफ स्टॉक माइनस सेल अमाउंट ऑफ स्टॉक ले लोगे। अब बिजनेस इनकम बनाने के लिए माइनस क्या करोगे, तो आपने देखो कैपिटल गेन जब निकाला तो सेल अमाउंट क्या लिया था, एफ एम वी ऑफ कैपिटल असेट ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, उस कैपिटल असेट की जो एफ एम वी थी डेट ऑफ कन्वर्जन को, उसको आपने एक तरीके से सेल दिखा के कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल कर दिया था, तो वही आपकी क्या हो जाएगी बिजनेस के लिए कॉस्ट, वही क्या हो जाएगी बिजनेस के लिए कॉस्ट, एफ एम वी ऑफ कैपिटल असेट ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, वो बिजनेस के लिए कॉस्ट हो जाएगी, वो लेस करके आपकी बिजनेस इनकम भी आ जाएगी। इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, अगर आप पूरा स्टॉक सेल नहीं करते, जो आपने स्टॉक कन्वर्ट किया, जो आपने कैपिटल सेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया, उसको आप पूरा एक साथ सेल नहीं करते, प्रोपोर्शनल स्टॉक सेल करते हो, किसी ईयर में प्रोपोर्शनल स्टॉक सेल करते हो, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही आपकी टैक्सेबल होगी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट टैक्सेबल होगी। अगला बता रखा है, कोई पार्टनर या कोई मेंबर एओपी बीवाई में या फर्म में क्या लेके आया, एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैपिटल सेट लेके आया, तो सेक्शन 45(3) ये बोलता है, अपन ये मान लेंगे उस पार्टनर ने या उस मेंबर ने वो प्रॉपर्टी, वो कैपिटल सेट फर्म के नाम कर दी, फर्म को ट्रांसफर कर दी, ये मान लेंगे, और वो पार्टनर या मेंबर के नाम से क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बिल्कुल फालतू पॉइंट है लेकिन दे रखा है, अपने देख लिया। सेल अमाउंट क्या लोगे, उस फर्म ने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट क्रेडिट करी, उस फर्म ने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट क्रेडिट करी वो क्या बन जाएगी, सेल कंसेशन। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ये अमेंड हुआ है पूरा का पूरा, क्या पॉइंट है ये, किसी फर्म एओपी बीवाई का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, और वो फर्म एओपी बीवाई क्या कर रही है, रिकंस्टिट्यूशन होने के केस में, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पार्टनर या मेंबर को, पार्टनर या मेंबर को कैपिटल असेट या मनी डिस्ट्रीब्यूट करिए, कैपिटल असेट या मनी डिस्ट्रीब्यूट करिए पार्टनर या मेंबर को, तो सेक्शन 45(4) लगेगा। यहाँ फर्म एओपी बीवाई को स्पेसिफाइड एंटिटी बोला गया है और पार्टनर या मेंबर को स्पेसिफाइड पर्सन बोला गया है, तो किसके एंड में टैक्सेबल होगा, एक फर्म है जो पार्टनर या मेंबर को रिकंस्टिट्यूशन पे आपने असेट या मनी डिस्ट्रीब्यूट करी, और फर्म के एंड्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, फर्म के एंड्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, फर्म के एंड्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल कब होगा, जब उस पार्टनर या मेंबर को मनी और कैपिटल असेट मिल जाएंगे उस ईयर में, जिस ईयर में मनी और कैपिटल असेट पार्टनर या मेंबर को मिल जाएंगे उस ईयर में टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, ए प्लस बी माइनस सी, ए मतलब उस पार्टनर या मेंबर को जो मनी मिली वो ले लो, अगर कोई असेट दिया है फर्म ने तो उस असेट की एफएमवी ले लो, और सी क्या है, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा था जिस दिन चीजें बांटी गई उस पार्टनर को, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा था, कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा था वो लेस कर देना, वो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो लेस कर देना, आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन अमाउंट आपकी नेगेटिव आती है, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस काफी ज्यादा आ रहा था और आपने उसको कम अमाउंट दी है, नेगेटिव आती है तो उसको जीरो माना जाएगा, मतलब लॉस नहीं माना जाएगा, कैपिटल लॉस आएगा ही नहीं, आएगा भी तो उसको जीरो मान लेंगे, डेड लॉस होगा। जैसे अपने ऊपर देखा था ना 45(1A) में, सेम टू सेम इसको डेड लॉस मान लेंगे इस वाले केस में भी 45(4) में, ये बोला। अब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी पार्टनर या मेंबर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर या मेंबर रिटायरमेंट हो जाता है, या कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, या पार्टनर्स के बीच में पीएसआर चेंज होता है, पार्टनर फर्म के लिए पार्टनर और एओपीबीवाई के लिए बोलते हैं अपन मेंबर, तो कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या कोई पार्टनर नया एडमिट होता है फर्म में, या पार्टनर्स के बीच में पीएसआर चेंज होता है और कंपनी और वो फर्म क्या करती है उस टाइम पे असेट्स या मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनर को, तो ये सेक्शन लग जाएगा 45(4). रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और चेंज ऑफ पीएसआर। अब आप बोलोगे डिजोल्यूशन, फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का या एओपीवाई का डिजोल्यूशन हो रहा है, वो कहाँ गया। डिजोल्यूशन के लिए इन्होंने एक नया सेक्शन बना दिया, सेक्शन 9B। सेक्शन 9B क्या बोलता है, फर्म का एओपीवाई का डिजोल्यूशन हो रहा है और फर्म क्या कर रही है, जब डिजोल्यूशन हो रहा है तो पहले अपनी लाइबिलिटीज वगैरह पे करके जो भी बच गया वो पार्टनर से बांट रही है, पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कैपिटल असेट, तो वो भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा, किसके एंड में, फर्म के एंड में, फर्म एओपीवाई के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा, फर्म एओपीवाई के एंड में ट्रांसफर माना जाएगा। और इसमें सेल अमाउंट क्या लोगे, जो भी कैपिटल असेट फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करिए पार्टनर को, यहाँ खाली कैपिटल असेट कवर्ड है, सेक्शन 9B में खाली कैपिटल असेट कवर्ड है, ये भी नया सेक्शन आया इस बार, सेक्शन 9B में खाली कैपिटल असेट कवर्ड है और ये डिजोल्यूशन का केस यहाँ कवर करता है, तो जो भी कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट करे उनकी अपन एफएमवी ले लेंगे, उनकी एफएमवी ले लेंगे। अब इस 9B में एक चीज़ और कवर्ड है, अगर मान लो कोई फर्म पार्टनर को स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट करती है, या तो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे या डिजोल्यूशन के टाइम पे स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी फर्म की क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगी, लेकिन वो पीजीबीपी हेड में बनेगी, कहाँ बनेगी, पीजीबीपी हेड। ये था आपका पॉइंट नंबर 4, जो फालतू पॉइंट ज़्यादा काम करनी था मैंने बता दिया आपको। पॉइंट नंबर 5 देख लो, 45(5), सेक्शन 45(5), ये एक स्पेशल केस हो रही है, भी कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, कैपिटल असेट का गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, आपने सेल नहीं किया, गवर्नमेंट को मान लो रोड चौड़ा करना था या गवर्नमेंट को रेलवे का ट्रैक बिछाना था और आपका प्लॉट या आपकी बिल्डिंग उसके बीच में आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने आपसे कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया आपके कैपिटल असेट का, भूमि अधिग्रहण कर लिया आपका, तो
आपको क्या देती है गवर्नमेंट? कंपनसेशन देती है, नाम मात्र का कंपनसेशन देती है, ज़्यादा नहीं मिलता आपको कंपनसेशन, और कंपनसेशन देने में भी गवर्नमेंट काफ़ी टाइम लगा देती है। देखो एक आपको मिला नॉर्मल कंपनसेशन, तो सेल अमाउंट क्या लोगे आप? कंपनसेशन अमाउंट ले लोगे, जो भी आपको कंपनसेशन मिला गवर्नमेंट से। कब टैक्सेबल होगा? जब आपको कंपनसेशन मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, जब आपको कंपनसेशन मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। मान लो गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली थी 2012 में, कंपनसेशन आपको दे दी 2021 में, तो टैक्सेबल कब होगा? 2021 में टैक्सेबल होगा। और इसमें एक बात और बता रखी है, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी कंपनसेशन मिल गया, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आपका कंपनसेशन बनता है मतलब 50 लाख का, और आपको मिला मान लो 2 लाख रुपये कंपनसेशन, तो जैसे 2 लाख मिल गया पूरा 50 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ये और बोलते हैं तो कंपनसेशन कब टैक्सेबल होगा? जब आपको कंपनसेशन मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, फुल कंपनसेशन टैक्सेबल होगा अगर आपको पार्ट भी मिल गया तो। और बता रखा है ट्रांसफर ईयर क्या होगा? जब गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया था तभी ट्रांसफर हो गया था। तो अगर इंडेक्स करना है, लॉन्ग टर्म असेट है, तो इंडेक्स फॉर ट्रांसफर क्या लोगे? ईयर इन विच असेट इज कंपलसरी एक्वायर्ड। अब क्या होता है, कभी कभी आपको कंपनसेशन मिल जाता है, आप कंपनसेशन से एग्री नहीं करते और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट में चले जाते हो, कोर्ट में चले जाते हो, कोर्ट आपके कंपनसेशन को बढ़ा देता है। गवर्नमेंट ने कंपनसेशन फिक्स किया था आपका 50 लाख, कोर्ट ने कर दिया 70 लाख, 70 लाख कर दिया तो 20 लाख क्या हो गया? 70 लाख कोर्ट ने कर दिया तो 20 लाख क्या हो गया? इनहेंस कंपनसेशन। क्या होते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अगर कोर्ट कंपनसेशन आपका बढ़ा देता है तो जो बढ़ा हुआ कंपनसेशन है उसको क्या बोलते हैं? इनहेंस कंपनसेशन। तो इनहेंस कंपनसेशन भी कैपिटल गेन लगेगा इनहेंस कंपनसेशन पे भी, तो सेल कंसेशन क्या ले लोगे? इनहेंस कंपनसेशन अमाउंट। अब कॉस्ट क्या होगी इनहेंस कंपनसेशन की? कुछ भी नहीं होगी। कुछ भी क्यों नहीं होगी? आपका जो असेट कंपलसरी एक्वायर हुआ था उसकी कॉस्ट तो आप ऊपर नॉर्मल कंपनसेशन से ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। इनहेंस तो आपको एक्स्ट्रा मिला है तो उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आपके कुछ छोटे मोटे खर्चे हुए, लिटिगेशन वगैरह के कोई भी खर्चे हुए, कोर्ट वगैरह के, कोर्ट कचहरी के जो भी चक्कर काटने से, वकील वगैरह के जो भी खर्चे हुए, वो आप लेस कर सकते हो एक तरीके से। इसके बाद बता रखा है टैक्सेबल कब होगा इनहेंस कंपनसेशन? जैसे जैसे रिसीव होगा तब टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा मिल गया तो पूरा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जैसे जैसे जितना रिसीव हुआ, आपका कोर्ट ने 20 लाख कंपनसेशन बढ़ाया, गवर्नमेंट ने आपको अभी 2 लाख दिया तो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, 3 साल बाद गवर्नमेंट ने 5 लाख दिया तो 5 लाख को टैक्सेबल हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। इसमें एक चीज और बता रखी है, इनहेंस कंपनसेशन टैक्सेबल तभी होगा अगर ये कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बेसिस पे मिला है। मान लो आपको इनहेंस कंपनसेशन मिला कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे, कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे आपको इनहेंस कंपनसेशन मिला, टैक्सेबल नहीं होगा। अभी होल्ड करो, टैक्सेबल नहीं होगा जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता कोर्ट का। फाइनल ऑर्डर आने के बाद आपको इनहेंस कंपनसेशन मिलता है तो ही टैक्सेबल होगा, इंटरिम ऑर्डर के बेस पे आपको इनहेंस कंपनसेशन मिल गया तो नहीं होगा। आगे नोट दे रखा है, अगर आपको कंपनसेशन पे या इनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट भी मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कंपनसेशन देने में टाइम लगा देती है, फिर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट की जो इनकम हुई कंपनसेशन पे या इनहेंस कंपनसेशन पे वो अदर सोर्स साइड में चली जाएगी, अदर सोर्स साइड में टैक्सेबल होगी। और लास्ट बता रखा है, अगर मान लो कोई आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती तो कैपिटल गेन ही नहीं निकलता, कैपिटल असेट ही नहीं होती, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी उसका गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया तो आपको एक एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 1037 में। आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, खेती की जमीन थी अर्बन एरिया की, मान लो जयपुर में आपकी खेती की जमीन थी, गवर्नमेंट ने उसका कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, सेक्शन 1037 लगेगा। किसके केस में लगेगा? ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में उनको एक एग्जेम्पशन मिलेगी, जो भी कैपिटल गेन हुआ उस कंपलसरी एक्विजिशन पे पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन है कि जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी वो अगर जितनी ट्रांसफर हुआ उससे पीछे के 2 सालों में, उससे पीछे के 2 सालों में खेती में काम आ रही थी, वहाँ खेती का काम चल रहा था, तो जो भी कैपिटल गेन हुआ पूरा का पूरा गवर्नमेंट क्या कर देगी? एग्जेम्प्ट कर देगी। तो आपकी कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी उसका गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन किया, आपने सेल नहीं करा, सेल करोगे तो कैपिटल गेन निकलेगा, कंपलसरी एक्विजिशन करा और वो लैंड खेती में काम आ रही थी पीछे के 2 साल से, तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में जो भी कैपिटल गेन बनेगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। खाली इंडिविजुअल एचयूएफ की बात हो रही है यहाँ पे, ये सेक्शन 1037 का बेनिफिट मिल जाएगा इंडिविजुअल एचयूएफ को। फालतू पॉइंट था बता दिया मैंने आपको। अगला पॉइंट है कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, सेक्शन 45(5) है, ये भी एक स्पेशल केस है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता क्या पहले ये समझते हैं। मान लो कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसने क्या किया, इंडिविजुअल एचयूएफ की खुद की लैंड या बिल्डिंग है, लैंड या बिल्डिंग है, उसने उस लैंड या बिल्डिंग का पजेशन बिल्डर या डेवलपर को दे दिया, बिल्डर या डेवलपर को दे दिया, लैंड और बिल्डिंग बिल्डर के नाम कर दी, बिल्डर के नाम नहीं करी, खाली पजेशन दिया, खाली क्या किया है, पजेशन दिया। अब पजेशन देना भी क्या होता है, ट्रांसफर। मैंने बताया था पजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवाते, पजेशन देना भी क्या होता है, ट्रांसफर। तो आपने बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया मान लेंगे। अब इंडिविजुअल एचयूएफ क्या करते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ अपनी लैंड और बिल्डिंग बिल्डर को दे देते हैं, पजेशन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? बिल्डर डेवलपर इनको पागल बनाते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ को पागल बनाते हैं, बिल्डर डेवलपर काफी चालाक लोग होते हैं, काफी चालाक टाइप के लोग होते हैं। तो बिल्डर डेवलपर क्या बोलते हैं उनको, इंडिविजुअल एचयूएफ को, कि हम आपकी लैंड और बिल्डिंग को प्लेन करके, अगर लैंड है तो प्लेन है ही, बिल्डिंग है तो उसको प्लेन करके हम यहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे, फ्लैट्स वगैरह बनाएंगे और उसमें आपको कुछ शेयर आपको दे देंगे, हम उस लैंड पर 50 फ्लैट बना देंगे और 5 फ्लैट आप रख लेना, 5 फ्लैट आपके नाम कर देंगे। तो इंडिविजुअल एचयूएफ बेचारे पागल होते हैं, वो पागल बन जाते हैं, बिल्डर डेवलपर से पागल बन जाते हैं, बिल्डर डेवलपर काफ़ी चालाक लोग होते हैं, धूट टाइप के चालाक टाइप के लोग होते हैं। तो इंडिविजुअल एचयूएफ ने लैंड और बिल्डिंग का पजेशन दिया बिल्डर डेवलपर को, बिल्डर डेवलपर क्या करता है वहाँ अपना प्रोजेक्ट बनाता है, फ्लैट्स वगैरह बनाता है और उसमें कुछ शेयर उस इंडिविजुअल एचयूएफ को दे देता है। कभी कभार इंडिविजुअल एचयूएफ को स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट भी दे देता है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत अमाउंट भी दे देता है, 4-5 लाख, ताकि वो इंडिविजुअल एचयूएफ खुश हो। तो ये होता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अब
जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या हुआ, इंडिविजुअल एचयूएफ ने लैंड और बिल्डिंग बिल्डर को पजेशन दे दिया, ट्रांसफर तो हो ही गया, अब एक कैपिटल गेन कैसे लगेगा ये बताता है। तो सेल अमाउंट क्या लोगे, पहले तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए सेल अमाउंट क्या लोगे, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को उस प्रोजेक्ट में जो शेयर मिला था, प्रोजेक्ट में शेयर मिला था, फ्लैट्स में मान लो 50 फ्लैट बनाए बिल्डर ने, 5 फ्लैट उस इंडिविजुअल को दे दिए, तो 5 फ्लैट का जो शेयर मिला था उन 5 फ्लैट की अपन को लेनी है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या लेनी है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेनी है? जिस दिन बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ, उन फ्लैट्स का जिस दिन बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ उस दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। और इसके अलावा अगर मान लो बिल्डर स्टार्टिंग में उन इंडिविजुअल को कोई अमाउंट दे देता है, कभी कभी दे देता है 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए की, वो अमाउंट भी ले लेंगे, वो अमाउंट भी प्लस कर देंगे उसमें, ये हो जाएगा सेल कंसेशन। कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होगा? देखो ट्रांसफर तो आपका कब हो गया था, जब आपने लैंड और बिल्डिंग का पजेशन बिल्डर को दे दिया, पजेशन देते ही जिस ईयर में पजेशन दिया उस ईयर में कैप ट्रांसफर हो गया था। मान लो इंडिविजुअल ने पजेशन दिया 2016 में, तो 2016 में ही ट्रांसफर हो गया था। लेकिन टैक्सेबल कैपिटल गेन कब होगा? जब बिल्डर को उस प्रोजेक्ट का, बिल्डर ने उस लैंड और बिल्डिंग पे जो प्रोजेक्ट बनाया, जो फ्लैट्स वगैरह बनाया, उसका बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, मान लो 2022 में जाके बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो कैपिटल गेन कब निकलेगा इंडिविजुअल के हैंड्स में? 2022 में। अब इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर, मान लो इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी थी लैंड या बिल्डिंग वो लॉन्ग टर्म थी, तो इंडेक्स करोगे ट्रांसफर ईयर का, इंडेक्स क्या लोगे? ट्रांसफर कब हो गया था? जब आपने पजेशन दिया था, 2016 में पजेशन दिया था, 2016 में ट्रांसफर हो गया था, तो ईयर इन विच पजेशन इज ट्रांसफर, ये हो जाएगा इंडेक्स फॉर ट्रांसफर ईयर। क्या लोगे? ईयर इन विच पजेशन इज ट्रांसफर। अगला केस, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर को। लिक्विडेशन के केस में कंपनी क्या करती है? पहले तो अपनी लाइबिलिटी वगैरह का पेमेंट कर देती है, लिक्विडेटर वगैरह का पेमेंट कर देती है, और लास्ट में जो एसेट बच जाते हैं वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो भी मनी बच जाती है एसेट बच जाते हैं। तो कंपनी के एंड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये बोला है, कंपनी के एंड में टैक्सेबल नहीं होगा। ये मानेंगे कि शेयर होल्डर ने अपने शेयर कंपनी को वापस कर दिए, कंपनी तो खत्म हो गई, तो शेयर होल्डर ने अपने शेयर कंपनी को वापस कर दिए और बदले में शेयर होल्डर को पेमेंट मिल गया, तो ये मान लेंगे शेयर होल्डर ने अपने शेयर कंपनी को वापस बेच दिए, ऐसा मान लेते हैं। तो शेयर होल्डर के एंड में क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है, शेयर होल्डर के एंड में ट्रांसफर माना जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। अब सेल अमाउंट क्या लोगे? कंपनी ने शेयर होल्डर को जो भी असेट दिए, असेट दिए तो उसकी एफएमवी ले लो, कोई अमाउंट दिए तो वो अमाउंट ले लो, एफएमवी ऑफ असेट रिसीव्ड प्लस अमाउंट रिसीव्ड। अब इसमें से लेस कर दो उस कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस थे, इस कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस थे या अकुमुलेटेड प्रॉफिट था, मान लो रिजर्व एंड सरप्लस थे 5 लाख के, इन रिजर्व एंड सरप्लस में उस शेयर होल्डर का कितना हिस्सा था? मान लो शेयर होल्डर का 20% का हिस्सा था, 20% वोटिंग पावर था, 20% का हिस्सा था एक शेयर होल्डर का, तो कितना हो गया? 1 लाख। ये लेस कर दो, ये एक एग्जांपल ले रहा मैंने, तो कंपनी के जो भी रिजर्व सरप्लस थे उन रिजर्व सरप्लस में उस शेयर होल्डर का जितना भी हिस्सा था वो लेस कर दो, वो क्या माना जाएगा? 222C वाला डीम डिविडेंड माना जाएगा। अपन जब अदर सोर्स वाला डिविजन देखेंगे उसमें देखना 222C वाला डीम डिविडेंड मानेंगे उसको, 222C अदर सोर्स वाले चैप्टर में 222C वाला डीम डिविडेंड मान लेंगे, और इसको क्या करेंगे, ये डीम डिविडेंड मान के शेयर होल्डर की अदर सोर्स की इनकम बन जाती है, क्या बन जाती है? अदर सोर्स की। तो ये लेस कर देते हैं, यहां से लेस कर देते हैं, यहां से सेल को कम कर देते हैं, सेल को कम करते हैं तो गेन भी कम आता है, इसको क्या करते हैं? अदर सोर्स की इनकम दिखाते हैं। तो क्या लेस करेंगे अपन? जो शेयर होल्डर का उस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में जो हिस्सा था उसको लेस कर देंगे एज पर सेक्शन 222C, और आपका आ जाएगा सेल कंसिडरेशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? शेयर होल्डर क्या बेच रहा है कंपनी को, वापस क्या दे रहा है? शेयर्स, शेयर्स की परचेज प्राइस कॉस्ट बन जाएगी, शेयर्स की परचेज प्राइस क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। आगे बता रखा है बाईबैक ऑफ शेयर सेक्शन 46 से, अगर डोमेस्टिक कंपनी बाईबैक करती है, बाईबैक मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को इशू करके थे उनको फिर से खरीद लिया कंपनी ने फिर से खरीद लिया, कंपनी बाईबैक कर रही है, मतलब एक तरीके से शेयर होल्डर ने कंपनी को शेयर बेच दिए, ये होता है बाईबैक ऑफ शेयर। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या होगा? कंपनी को टैक्स देना पड़ जाएगा, कंपनी शेयर खरीदी और कंपनी को ही टैक्स देना पड़ जाएगा 23.296% की रेट से, एक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ जाएगा। और 23.296% रेट कैसे आई है? इसमें 20% तो टैक्स है, 12% इसमें कंपलसरी सरचार्ज और 4% कंपलसरी सेस है। निकाल लो 23.296% की रेट से कंपनी को टैक्स देना पड़ जाएगा सेक्शन 115QA में। ये कंपनी की इनकम नहीं है, एक अलग से डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है, इसको अलग से कंसीडर करेंगे, कहीं इनकम नहीं दिखाएंगे, इसको अलग से कंसीडर करके कंपनी को इसमें टैक्स देना पड़ेगा 115QA। ये जब अपन वेरियस एंटिटी वाला टॉपिक करेंगे ना उसमें ये कवर हो जाएगा। शेयर होल्डर गेन से क्या होगा? जब कंपनी ने उस पर टैक्स दे दिया उस अमाउंट पे, तो शेयर होल्डर गेन में जो कैपिटल गेन आया, मान लो कंपनी ने बाईबैक प्राइस रखी 15 लाख, शेयर होल्डर ने खरीदे थे शेयर 10 लाख में, तो 5 लाख का गेन हुआ शेयर होल्डर को, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 1034A में एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर फॉरेन कंपनी बाईबैक करती है कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना, शेयर होल्डर के एंड से नॉर्मल कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, तो वो नॉर्मल केस है। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी बाईबैक करती है, डोमेस्टिक कंपनी चाहे लिस्टेड है, चाहे अनलिस्टेड है, चाहे प्राइवेट है, चाहे पब्लिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, तो कंपनी को टैक्स देना पड़ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स या डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं इसको, अलग टाइप का टैक्स होता है, 115QA में देना पड़ जाएगा। ये बाईबैक वाला केस था। अगला है स्लम सेल, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 50B, और इस बारे में अमेंडमेंट भी हुआ है सेक्शन 50B, तो इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। स्लम सेल पहले काफ़ी आता था,
पहले लगभग हर अटेम्प्ट में स्लम सेल का क्वेश्चन मिलता था, और इस बार ये फिर से इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसमें काफ़ी अमेंडमेंट आए हैं। अमेंडमेंट क्या है वो अपन देख लेंगे, सारा देख लेंगे। स्लम सेल सेक्शन 50 भी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्लम सेल का मतलब क्या होता है, आपने अपनी कोई यूनिट अंडरटेकिंग या डिवीजन सेल कर दिया। जैसे मान लो रिलायंस की काफ़ी सारी यूनिट है, पेट्रोलियम यूनिट है, कपड़ों की यूनिट है मान लो, और एक उसकी टेलीकॉम यूनिट है। तो रिलायंस हमने पेट्रोलियम यूनिट पूरी की पूरी सेल कर दी, पूरी यूनिट सेल कर दी, उसका कोई इंडिविजुअल एसेट सेल नहीं किया, पूरी यूनिट सेल कर दी। ये होता है स्लम सेल। अगर यूनिट उसने 3 ईयर तक हेल्ड कर रखी तो शॉर्ट टर्म आएगा, 3 ईयर से ज्यादा हेल्ड कर रखी तो लॉन्ग टर्म आएगा। ये अदर एसेट की कैटेगरी में आती है स्लम सेल, स्लम सेल की जो यूनिट होती है। अब कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, सेल कंसीडरेशन ले लो। सेल कंसीडरेशन यहाँ क्या लेंगे, FMV ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। यही अमेंडमेंट आया है। सेल कंसीडरेशन क्या लेंगे, उस यूनिट की जो FMV है, उस यूनिट की जो FMV है ट्रांसफर के दिन की, वो सेल कंसीडरेशन होगा। इसमें से ट्रांसफर के खर्चे लेस कर दो, नेट सेल कंसेशन आ जाएगा। लेस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, उस जिस यूनिट को आपने ट्रांसफर किया है, पेट्रोल यूनिट का ट्रांसफर किया, तो पेट्रोल यूनिट की जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। और यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म सेम आंसर आएगा यहाँ पर। स्लम सेल के केस में इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म होने के लिए, तो इंडेक्स भी नहीं होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेम आएगा। हाँ बस टैक्स की रेट अलग हो जाएगी, शॉर्ट टर्म पे जनरल रेट लगती है, लॉन्ग टर्म पे 112 लग जाता है अपना 20% वाला। तो अब अपन आते हैं सेल अमाउंट कैसे निकालोगे, सेल कंसेशन। तो सेल कंसेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो आपने यूनिट सेल करी है उसका अपन वैल्यूएशन करेंगे, उसका वैल्यूएशन करेंगे और दो वैल्यू निकालेंगे, एक FMV1 और एक FMV2। FMV1 और FMV2 विच मिल जाए, FMV1 होती है एक तरीके से उसका वैल्यूएशन, और FMV2 क्या होती है, उस यूनिट को सेल करने से जो भी आपको मिला। FMV1 मतलब उस यूनिट का वैल्यूएशन, और FMV2 क्या होती है, उस यूनिट को सेल करने से जो भी आपको मिला। FMV1 निकालेंगे, FMV2 निकालेंगे, इन दोनों का हायर लेंगे। FMV1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, इन दोनों का हायर लेंगे। अब आप बोलोगे FMV1 क्या है, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है ABCD-L, A+B+C+D-L। पहले ABCD देख लेते हैं, ABCD क्या है, तो ABCD बता रखा है जिस यूनिट का आप ट्रांसफर कर रहे हो उस यूनिट की बैलेंस शीट उठाएंगे, उस यूनिट की बैलेंस शीट देखेंगे, असेट साइड देखेंगे। असेट साइड में अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, तो उसकी क्या लेंगे अपन, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, क्या लेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटी आ रहे हैं उस यूनिट के असेट साइड में, कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटी आ रही है, मान लो उस यूनिट ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उन शेयर्स एंड सिक्योरिटी क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। मान लो उस यूनिट की बैलेंस शीट में असेट साइड में ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क आ रहा है, वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी मान लो ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क आ रहा है, उसके क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। और इनके अलावा कोई भी असेट बच गए, किसको छोड़ गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क को छोड़ के कोई भी असेट बच गया, जैसे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, और भी काफी सारे असेट है, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, पेटेंट्स हो गया, तो और बाकी सारे असेट का क्या करोगे, बुक वैल्यू। बाकी सारे असेट की बैलेंस शीट की जो भी वैल्यू है, कैसे भी वैल्यू दे रखी हो बैलेंस शीट में, चाहे डेप्रिसिएशन क्लेम करी हुई दे रखी हो, चाहे नहीं करी हुई दे रखी हो, वो उठा लेंगे ऐसे कैसे। तो वैल्यूएशन कैसे करोगे, अगर उस यूनिट की बैलेंस शीट में असेट साइड में इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड या बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग क्या ले लेना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की FMV, ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वगैरह है ओपन मार्केट वैल्यू, और बाकी जो भी असेट बच गए सबकी बुक वैल्यू। ये हो गया A+B+C+D। इसमें से L लेस कर देना, L मतलब उस यूनिट जिस यूनिट का ट्रांसफर करो उसकी जो भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लेस कर देना, लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लेस कर देना, लेकिन लाइबिलिटी में 6 चीज़ें छोड़ देना, 6 चीज़ें लेस नहीं करनी। एक तो कैपिटल लेस नहीं करनी, या पेड अप शेयर कैपिटल लेस नहीं करनी। मान लो अगर प्रोप्राइटरशिप या फर्म की यूनिट है तो कैपिटल होगी, कंपनी की यूनिट है तो पेड अप कैपिटल होगी। तो कैपिटल या पेड अप कैपिटल जो भी आ रही है वो लेस नहीं करनी। रिजर्व एंड सरप्लस लेस नहीं करने, डिविडेंड लेस नहीं करना, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस नहीं करना, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी लेस नहीं करना, और कंटिन्यूट लाइबिलिटी लेस लेस नहीं करना। क्या क्या लेस नहीं करना, कैपिटल या पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, शेयर प्रीमियम हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, कुछ लेस नहीं करना। डिविडेंड लेस नहीं करना, प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी लाइबिलिटी, ये भी लेस नहीं करना। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी जिसका आपको पता ही नहीं है, उसका आपने प्रोविजन बना रखा है, वो भी लेस नहीं करना। और कंटिन्यूट लाइबिलिटी लेस नहीं करना। इन 6 को छोड़ के बाकी लाइबिलिटी आप लेस कर देना, और ये आ जाएगा FMV1। क्या आएगा FMV1, उस यूनिट का वैल्यूएशन आ जाएगा। वैल्यूएशन कैसे करोगे, असेट साइड में इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, शेयर्स एंड सिक्योरिटी आ रहे हैं FMV ले लो, और ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क आ रहा है ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, बाकी असेट की बुक वैल्यू ले लो, चारों को टोटल कर दो, और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू लेस कर दो 6 चीज़ों को छोड़ के। 6 चीज़ें क्या क्या, कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी, और कंटिन्यूट लाइबिलिटी, ये 6 चीज़ें छोड़ दो। ये आ जाएगी आपकी FMV1। और अब कंपेयर करेंगे इसको FMV2। FMV2 क्या होता है, उस यूनिट को सेल करने से जो भी आपको मिला, उस यूनिट को आपने मान लो 5 करोड़ रुपये में सेल किया, 5 करोड़ रुपये आपको मिले, तो 5 करोड़ रुपये क्या है, FMV2 ये होता है। तो मेनली आपको पैसा ही मिलता है सेल करने से, लेकिन मान लो आपको कुछ और मिला FMV2, मतलब आपको सेल करने से मान लो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटी मिले, तो क्या करोगे, तो आपको लेनी है FMV ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। मान लो आपको सेल करने से दूसरी कंपनी ने क्या दे दिया आपको, जिसको आपने सेल किया उस बंदे ने क्या दे दिया आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी, तो उसकी क्या ले लोगे, STB। अगर मान लो जिस बंदे को आपने सेल किया उस बंदे ने आपको पैसा नहीं दिया, सेल करने पर क्या दे दिया, अदर एसेट दे दिया, अदर एसेट मतलब ज्वेलरी वगैरह दे दी, तो उसकी क्या ले लोगे, ओपन मार्केट वैल्यू। तो FMV2 कैसे निकलती है, EFGH, E+F+G+H। ई मतलब जो भी अमाउंट आपको मिला सेल करने से, जो भी पैसा मिला वो ले लो,
सेल करने से अगर आपको शेयर्स और सिक्योरिटी मिले हैं तो वो भी ले लो, उनकी एफएम भी लो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की। सेल करने से अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो उसकी एसटी भी ले लो, और सेल करने से आपको कोई अदर असेट मिला है तो अदर असेट की ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, और क्वेश्चन में भी ऐसा देगा नहीं वो कि आपको एफएम में क्या बोलते हैं शेयर्स मिलते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली। आपको पैसा मिलेगा, मेनली क्या मिलेगा, सेल प्राइस मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो एफएमवी टू तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपको मिला वो ले लेना, पैसा मिला तो पैसा ले लेना, शेयर सिक्योरिटी मिले तो उनकी एफएम भी ले लेना, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो उसकी एसटी भी ले लेना, और अदर असेट मिले हैं तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लेना। ये आपकी आ जाएगी एफएमवी टू। दोनों को कंपेयर करना, एफएमवी वन और एफएमवी टू, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो क्या बन जाएगा, सेल कंसिडरेशन। और ये था इसका अमेंडमेंट, ये था इसका अमेंडमेंट, ये बनेगा सेल कंसिडरेशन। इसके मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए थे, टोटल क्वेश्चन कैपिटल गेन चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन क्लास में करवा दिए थे मैंने, टोटल क्वेश्चन क्लास में करवा दिए थे। और ये स्लम सेल का डिटेल में मैंने आपको पूरा एक एक करके बताया भी था, स्लम सेल के आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो इसको अच्छे से आप एक बार कर लेना। अब वैल्यूएशन जो करोगे आप, ये एफएमवी लोगे, ओपन मार्केट वैल्यू लोगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लोगे, स्लम सेल वाले दिन की, कब की लोगे, स्लम सेल वाले डेट की, डेट ऑफ स्लम सेल की ले लोगे, ट्रांसफर के डेट की ले लोगे। अब ये तो आ गया सेल अमाउंट, सेल अमाउंट तो आपने निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निकालना है अपन को। कैसे निकालते हैं, नेटवर्थ ऑफ यूनिट, जिस यूनिट का आपने ट्रांसफर किया उसकी नेटवर्थ निकालेंगे। नेटवर्थ कैसे निकलती है वो देख लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या नेटवर्थ कैसे निकलती है, उस यूनिट के जो भी एसेट थे, उस यूनिट के जो भी एसेट थे उन एसेट्स की वैल्यू लेंगे। वैल्यू कैसे लेंगे, डेप्रिशिएबल एसेट है तो WDV एज पर इनकम टैक्स, अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है तो उनकी WDV ले लेंगे एज पर इनकम टैक्स। सेक्शन 35AD वाला सेट है, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का सेट है तो वैल्यू ले लेंगे नील। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे नील। और अदर असेट है, अदर असेट जैसे स्टॉक होगा, एडिटर होगा, इनकी क्या ले लेंगे बुक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, डेप्रिशिएबल एसेट की WDV लेंगे एज पर इनकम टैक्स, सेक्शन 35AD एसेट की नील, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की नील, और अदर असेट की बुक वैल्यू। क्या निकालने के लिए, नेटवर्थ निकालने के लिए। ये एफएमवी निकालने के लिए नहीं करते अपन, एफएमवी निकालने के लिए अपन क्या लेते हैं, देखो क्या लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, शेयर सिक्योरिटीज की एफएमवी, ज्वेलरी की ओपन मार्केट वैल्यू, बाकी एसेट की बुक वैल्यू। लेकिन नेटवर्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट की WDV लेंगे एज पर इनकम टैक्स, सेक्शन 35AD एसेट नील, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नील, अदर एसेट बुक वैल्यू। अब इसमें एक चीज और दे रखी है, अगर आपने किसी एसेट का रिवैल्यूएशन कर रखा है, अपवार्ड या डाउनवार्ड, किसी भी एसेट का, चाहे करंट का कर रखा है, फिक्स एसेट का, मान लो 50 लाख की बिल्डिंग है उसको आपने 60 लाख का दिखा रखा है, तो आपको 50 लाख लेनी है वैल्यू। आपके 1 करोड़ की लैंड है उसको आपने 60 लाख का दिखा रखा है तो 1 करोड़ लेनी वैल्यू। रिवॉल्यूशन को इग्नोर करना है, रिमूव करना है, रिवॉल्यूशन जो भी कर रखा है अपवार्ड डाउनवर्ड सबको रिमूव करना है। ऐसे मान लो स्टॉक 1 लाख का है, आपने उसको 120 का दिखा रखा है, 120,000 का कितना लेना आपको, 1 लाख ही लेना है, रिमूव करना है रिवॉल्यूशन को। 1 लाख के स्टॉक आपको आपने 90,000 का दिखा रखा है तो कितना लेना है आपको, 1 लाख लेना। तो जो भी रिवॉल्यूशन कर रखा है उसको रिमूव करना है, इग्नोर करना है। अब ये तो आ गई वैल्यू ऑफ असेट्स, उसमें से जो भी उस यूनिट की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज मतलब कैपिटल को छोड़ के जो भी लाइबिलिटीज है, कैपिटल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के जो भी लाइबिलिटी उस यूनिट की वो लेस कर दो बुक वैल्यू, लाइबिलिटी की क्या लेस कर दो बुक वैल्यू, यहाँ आ जाएगी नेटवर्थ ऑफ यूनिट, आ जाएगी नेटवर्थ ऑफ यूनिट, नेटवर्थ ऑफ यूनिट। ऊपर लाइबिलिटी में अपन सब चीज़ें लेस कर देते हैं, 6 चीज़ें लेस नहीं करते, नीचे लाइबिलिटी में अपन सारी चीज़ें लेस कर देते हैं, कैपिटल को छोड़ के, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के सब लेस कर देते हैं। तो नेटवर्थ अलग तरीके से निकलती है और एफएमवी अलग तरीके से निकलती है, कन्फ्यूज मत हो जाना, अच्छे से याद कर लेना, कन्फ्यूज मत हो जाना, 2-3 बार सुन लेना, याद हो जाएगा आपको अच्छे से। ये आ जाएगी नेटवर्थ। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, इंडेक्स वगैरह तो करना है नहीं। तो ये था स्लम सेल, जब आप यूनिट को सेल करते हो तो निकलता है स्लम सेल। स्लम सेल में 3 ईयर तक हेल्ड कर रखिए तो शॉर्ट टर्म आता है, 3 ईयर से ज़्यादा हेल्ड कर रखिए तो लॉन्ग टर्म आता है। सेल अमाउंट लेते हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ स्पेशल तरीके से निकलता है। सेल अमाउंट में क्या लेते हैं अपन, एफएमवी वन और एफएमवी टू, विचेवर जाए। एफएमवी वन क्या होता है, उस यूनिट का वैल्यूएशन करते हैं, उस यूनिट की बैलेंस शीट में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, शेयर सिक्योरिटीज की फेयर मार्केट वैल्यू, ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क की ओपन मार्केट वैल्यू, और बाकी जो भी एसेट बच गए उन सबकी बुक वैल्यू। उसमें से सारी लाइबिलिटी लेस कर देते हैं, 5-6 चीज़ों को छोड़ के, जो फालतू चीज़ें उनको छोड़ देते हैं। फिर एफएमवी टू क्या होता है, जो भी उस यूनिट को बेचने से आपको मिला, सेल प्राइस जो भी मिला वो ले लेते हैं, सेल प्राइस ले लेते हैं। अगर आपको कोई और एसेट मिला तो उनकी वैल्यू ले लेते हैं, शेयर सिक्योरिटीज की एफएमवी ले लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी, अदर एसेट की ओपन मार्केट वैल्यू। और वैल्यूएशन कब का करेंगे, स्लम सेल की डेट का। नेटवर्थ कैसे निकालते हो, असेट्स की वैल्यू कैसे लेते हो, डेप्रिशिएबल एसेट की WDV, सेक्शन 35AD एसेट की नील, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की नील, और अदर एसेट की बुक वैल्यू। अगर कोई रिवॉल्यूशन कर रखा है आपने अपवार्ड डाउनवर्ड, वो सब अपन इग्नोर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज अपन लेस कर देते हैं, आपकी आ जाती है नेटवर्थ ऑफ यूनिट। इसके बाद देखा अपने एडवांस मनी फॉरफिट, सेक्शन 51। एडवांस मनी फॉरफिट क्या केस है ये, मान लो एक पर्सन है अमित, इसके पास इसकी एक लैंड थी, अमित ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया बिमल के साथ लैंड को सेल करने का। सेल का एग्रीमेंट किया, सेल नहीं करा, खाली एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट करना ट्रांसफर नहीं होता, पजेशन देना ट्रांसफर होता है, या तो ये रजिस्टर करना ट्रांसफर होता है। और बिमल ने बदले में इसको एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया या टोकन मनी दे दिया, शाही की अमाउंट, हिंदी में शाही की अमाउंट भी बोलते हैं, एडवांस दे दिया 50,000 रुपये का, मान लो 50,000 का एडवांस दे दिया। अब बिमल बाकी पेमेंट कर नहीं पाया तो अमित ने क्या करा, जो भी अमित था इसने इस एडवांस को फॉरफिट कर लिया, इस अमित ने इस एडवांस को फॉरफिट कर लिया और इस एडवांस के मजे लिए, किसने, अमित ने।
एडवांस को किसने फॉरफिट कर लिया, इस अमित ने फॉरफिट कर लिया। अब ये एडवांस के जो मजे लिए इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इस एडवांस की बात होती है। अमित ने सेल नहीं किया विमल को, लैंड सेल नहीं किया, खाली एग्रीमेंट किया था। बदले में एग्रीमेंट करने के बदले में विमल ने क्या कर दिया था, इसको टोकन अमाउंट दे दिया था 50,000 का, लेकिन विमल किसी वजह से खरीद नहीं पाया प्रॉपर्टी। तो अमित ने क्या कर लिए, शाही की अमाउंट जब्त कर ली। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे होता है, अगर आप शाही अमाउंट दे देते हो और फिर प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते तो जो पर्सन है जिसे आप डील कर रहे थे वो आपकी शाही की अमाउंट जब्त कर लेता है। अब अमित बाद में जाके इस लैंड को सेल करेगा, तो इस एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होगा उसी की बात हो रही है। उस एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होगा उसी की बात हो रही है। ये होता है एडवांस मनी फॉरफिट क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर आपने फॉरफिट कब किया है, 1 अप्रैल 2014 से पहले किया है, 1 अप्रैल 2014 से पहले फॉरफिट किया है, तो जब आप उस एसेट को फाइनली बेचोगे, जिस भी ईयर में फाइनली बेचोगे उस ईयर में अपन उस एडवांस को जो भी आपने फॉरफिट किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देंगे, एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देंगे। अगर फॉरफिट कब किया है, 1 अप्रैल 2014 से पहले किया है तो। लेकिन फॉरफिट कब किया आपने, 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद किया है, 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद किया है, तो जो भी एडवांस आपने फॉरफिट किया है वो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा आपकी। जिस ईयर में फॉरफिट किया उस ईयर में अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा सीधा। लेकिन 1 अप्रैल 2014 से पहले किया है तो अपन क्या करेंगे, उस एडवांस को जिस ईयर में आप उस एसेट को बेचोगे फाइनली उसकी कॉस्ट में से कम कर देंगे। कॉस्ट में से कम करोगे, कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, कैपिटल गेन अपने आप ज़्यादा जाएगा, वो एडवांस अपने आप क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें एक नोट और दे रखा है, अगर फॉरफिट किसने किया, प्रीवियस ओनर ने, मान लो अमित है, अमित ने फॉरफिट किया, फिर अमित ने वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को गिफ्ट दे दी, अब बेटा सेल कर रहा है, उस फॉरफिट वाली अमाउंट के मजे किसने लिए थे, अमित ने, क्योंकि अमित ने फॉरफिट किया तो मजे किसने लिए थे, अमित ने लिए थे मजे। तो क्या करना है, अगर फॉरफिट प्रीवियस ओनर ने करी है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मजे प्रीवियस ओनर ने लिए तो अपन को अब कुछ नहीं करना। फॉरफिट अगर प्रीवियस ओनर ने करी है तो उस अमाउंट को इग्नोर कर देंगे। ये सेक्शन 51 बोलता है एडवांस मनी फॉरफिट। अब आ जाओ एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, इनको और देख लेते हैं जल्द से जल्द। टोटल 8 एग्जेम्पशन दे रखी है कैपिटल गेन में से। आपने कैपिटल गेन निकाला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें से आपको एक एग्जेम्पशन मिलती है अगर आप उस कैपिटल गेन को या सेल अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हो, कुछ स्पेसिफाइड एसेट बता रखे हैं उनमें इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है। और एग्जेम्पशन लेस करने के बाद आपका आता है टैक्सेबल LTCG या टैक्सेबल STCG, और वो आपकी बनती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो पहले आपका कैपिटल गेन आ गया, फिर आपको एग्जेम्पशन मिलती है अगर आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हो, तो कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें बता रखे उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, फिर आपका आता है टैक्सेबल LTCG या टैक्सेबल STCG, और वो आपकी कैपिटल गेन की नेट इनकम बनती है। तो अब एग्जेम्पशन कैसे कैसे मिलती है, सबसे पहले सेक्शन 54 बता रखा है, सेक्शन 54 में बता रखा है कोई भी इंडिविजुअल HUF उसी को मिलेगी सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन। अगर वो क्या सेल करता है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेल करता है तो मिलती है, कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं मिलती, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेल करने में मिलेगी। और LTCG का तो ही मिलेगी, 54 में LTCG होने पर मिलेगी, STCG नहीं मिलेगी। कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर एक रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग बेची उसने इंडिविजुअल ने और इंडिया में रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक खरीदनी पड़ेगी, एक रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक की मिल जाएगी। लेकिन अगर कैपिटल गेन अप टू रुपीज 2 करोड़ तक है, कैपिटल गेन कितना है LTCG 2 करोड़ तक आया है, तो 2 हाउस में भी इन्वेस्ट करेगा, 2 हाउस में भी इन्वेस्ट करेगा तो 2 की भी मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा में करता है तो नॉर्मल केस में 1 की मिलेगी, 5 हाउस में इन्वेस्ट किया उसने मान लो तो 1 हाउस की मिल जाएगी, कोई कोई से भी हाउस की ले सकता है। लेकिन कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो 2 हाउस की उसको मिल जाएगी एग्जेम्पशन, जो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। अब टाइम लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट का, कब तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिस दिन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर से 1 साल पहले पहले, मैक्सिमम 1 साल पहले पहले भी वो इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब ट्रांसफर करने से पहले पहले भी इन्वेस्ट कर सकता है, या ट्रांसफर से 2 साल के अंदर अंदर, ट्रांसफर से 2 साल के अंदर अंदर। और अगर कंस्ट्रक्ट करवाता है तो 3 साल का टाइम दे दिया, ट्रांसफर से 3 ईयर के अंदर अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा। परचेज करता है तो 1 साल पहले पहले या 2 साल के अंदर अंदर, कंस्ट्रक्ट करवाता है तो 3 ईयर्स के अंदर अंदर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम लिमिट बिल्कुल फालतू है, कुछ काम की नहीं है। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जो भी कैपिटल गेन आया वो ले लो, और अमाउंट इन्वेस्टेड बीच एवरेज लोअर, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड बीच एवरेज लोअर। कैपिटल गेन मान लो आया 10 लाख का, अमाउंट आपने इन्वेस्ट की रेजिडेंस हाउस में 8 लाख की, तो 10 लाख और 8 लाख बीच एवरेज लोअर, 8 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब इसमें एक लॉक इन पीरियड हो रहा है, लॉक इन पीरियड मतलब आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। कैसे विड्रॉ हो जाएगी, अगर आप न्यू एसेट को, जिस न्यू एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको 3 ईयर्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, 3 साल में उसको बेच देते हो, तो जो पहले एग्जेम्पशन मिली थी वो आपकी विड्रॉ हो जाएगी। विड्रॉ कैसे होगी, जितनी आपको पहले एग्जेम्पशन मिली थी जब आप न्यू एसेट को बेचोगे, न्यू एसेट की कॉस्ट में से उतना लेस कर देंगे, कॉस्ट लेस कर देंगे, कॉस्ट कम होगी तो सेल अमाउंट ज़्यादा आएगी, सेल अमाउंट ज़्यादा आई तो अपने आप ही ज़्यादा कैपिटल गेन आएगा। तो पहले जो एग्जेम्पशन मिलती है वो आपकी विड्रॉ हो जाएगी, कॉस्ट में से अपन लेस करके उसको विड्रॉ कर देंगे। अदर पॉइंट दे रखे हैं कुछ केस लो के रिगार्डिंग, कुछ पॉइंट है केस लो के ऊपर बेस है, ये पॉइंट केस लो के पॉइंट है एक तरीके से, जो भी केस लो हैं आपके कैपिटल गेन के उनके पॉइंट है। तो पहला पॉइंट दे रखा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट भी कर देते हो, हाउस रेजिडेंस हाउस खरीदने के लिए अगर आप पेमेंट भी कर देते हो, मान लो जो टाइम लिमिट दे रखा है 1 ईयर का 2 ईयर का 3 ईयर का, इसमें पेमेंट भी कर देते हो तो वो भी सफिशियंट है। मान लो आपने अभी आपके पास लीगल टाइटल नहीं आया, ना आपके पास रजिस्ट्री आई, ना आपके पास पजेशन आया प्रॉपर्टी का, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया इस टाइम में, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मान लो आपने 3 साल में कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट कर दिया, अभी कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, पेमेंट कर दिया सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, पेमेंट कर दिया सफिशियंट है। दूसरा, रेजिडेंशियल हाउस जो आप खरीदोगे या रेजिडेंशियल हाउस जो बेचोगे वो कैसा होना चाहिए, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसमें रहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपने किराए पर दे रखा था तो भी कोई दिक्कत नहीं,
वो रेजिडेंशियल होना चाहिए, कमर्शियल नहीं होना चाहिए। अगला बता रखा है आपने साइड बाई साइड दो फ्लैट खरीदे, साइड बाई साइड दो फ्लैट खरीदे और बिल्डर ने उसको बीच में गेट देके उसको एक फ्लैट बना दिया, एक हाउस बना दिया, तो उसे एक माना जाएगा, दो माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। ये केस लॉ का पॉइंट है। अगर आप साइड बाय साइड दो फ्लैट खरीदते हो तो उसको एक ही हाउस माना जाएगा, एक ही रेजिडेंशियल हाउस माना जाएगा। अगला बता रखा है कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में अपन लैंड की कॉस्ट भी लेंगे और बिल्डिंग की कॉस्ट, दोनों को एलिजिबल करेंगे, लैंड की कॉस्ट को भी और बिल्डिंग की कॉस्ट को भी। और आगे बता रखा है अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अगर आप किसी और के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हो, वाइफ के नाम पर, बच्चों के नाम पर, फ्रेंड्स वगैरह के नाम पर, तो अभी आपको एग्रीमेंट यहाँ मिल जाएगी। न्यू हाउस में जो इन्वेस्ट करते हो, किसी के नाम पे भी करते हो, तो भी आपको एग्रीमेंट मिल जाएगी। ये था सेक्शन 54 भी बोलता है इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी, क्या बेचने में मिलेगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल बेचेगा तो कैपिटल असेट ही नहीं होता, बात ही खत्म है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करने पे 54B की एग्रीमेंट मिलेगी। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी इक्वेशन होगा तो इंडिविजुअल एचयूएफ को एग्जाम हो जाता है सेक्शन 1037 में, अपने देखा था वो। लेकिन यहाँ सेल करने की बात हो रही है, सेल की, तो सेल करता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कौन, इंडिविजुअल एचयूएफ। गेन कैसा भी आए, चाहे शॉर्ट टर्म आए चाहे लॉन्ग टर्म, उसको एग्जेम्प्शन मिलेगी अगर वो उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है किसमें, एग्रीकल्चर लैंड में। एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, कैसे भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विद इन 2 ईयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जेम्प्शन कितनी मिलेगी, सेम टू सेम कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, सेम टू सेम वही विड्रॉल ऑफ एग्जेम्प्शन है, 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, 3 ईयर में ट्रांसफर कर देता है तो एग्जेम्प्शन विड्रॉ हो जाएगी। अदर पॉइंट दे रखें, जो भी एसेट उसने सेल करी है वो 2 साल से खेती में काम आनी चाहिए तो ही यहाँ एग्जेम्प्शन मिलेगी। अगला बता रखा है पेमेंट भी कर दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, सफिशियंट है, चाहे बाद में आपको अलॉटमेंट मिला हो, बाद में आपको प्रॉपर्टी मिली हो, लेकिन पेमेंट भी कर दिया तो सफिशियंट है। अगला बता रखा है किसी और के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 54D सभी पर्सन को मिल जाएगी, कंपनी को भी, प्रोपरेटरशिप को भी, फर्म वगैरह को, सबको मिल जाएगी। क्या होता है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, मतलब कोई फैक्ट्री और फैक्ट्री की लैंड और बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया। कोई फैक्ट्री रोड पर आ रही थी, गवर्नमेंट रोड थोड़ा कर रही थी, तो फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, कंपलसरी एक्वायर कर लिया फैक्ट्री की लैंड और बिल्डिंग को। और आपको क्या हुआ, एसटीसीजी एलटीसीजी आपने क्या किया, फैक्ट्री के लिए या इंडस्ट्री के लिए लैंड और बिल्डिंग खरीद ली, कहीं और फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड और बिल्डिंग खरीद ली, आपको यहाँ एग्जेम्प्शन मिल जाएगी। कितने साल में करनी, कब तक खरीदनी पड़ेगी, विदिन 3 ईयर्स, 3 ईयर तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 3 ईयर्स के अंदर। एग्जेम्प्शन कितनी मिलेगी, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। यहाँ भी अगर आपने 3 ईयर्स में असेट को ट्रांसफर कर दिया तो आपकी एग्जेम्प्शन विड्रॉ हो जाएगी। अदर पॉइंट बता रखा है कि जो लैंड और बिल्डिंग कंपलसरी एक्वायर हुई थी, जो ट्रांसफर हुई थी कंपलसरी एक्वायर हुई थी, वो इंडस्ट्री में काम आ रही थी 2 साल से, तो ही यहाँ एग्जेम्प्शन मिलेगी। फालतू पॉइंट है बिल्कुल। और लास्ट पॉइंट बता रखा है अगर आप एक बार पेमेंट भी कर देते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, सफिशियंट है, चाहे आपको प्रॉपर्टी बाद में मिली हो, पेमेंट भी कर दिया एक बार न्यू वाले इन्वेस्टमेंट के लिए, सफिशियंट है। ये थे सेक्शन 54, 54B, 54D। तीनों में क्या था, सेम टाइप ऑफ असेट बेच रहे हो, सेम टाइप ऑफ असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। 54 में आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बेच रहे हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। 54B में एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। 54D में आपका कंपलसरी इक्वेशन किसका हो रहा है, फैक्ट्री की लैंड और बिल्डिंग का हो, खरीद क्या रहे हो फैक्ट्री की लैंड और बिल्डिंग। सेम टाइप ऑफ असेट सेल कर रहे हो, सेम टाइप ऑफ असेट आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम टाइप ऑफ असेट सेल कर रहे हो, सेम टाइप ऑफ असेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये तीन सेक्शन थे, 54, 54B और 54D। तीनों में एग्जेम्प्शन कितनी मिलती है, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, तीनों में सेम ये लिमिट है। अब आप आगे आ जाओ 54EC और F। EC क्या बोलता है, कोई भी पर्सन उसको एग्जेम्प्शन मिल जाएगी, चाहे कंपनी हो चाहे फार्म हो, सबको मिल जाती है। क्या सेल करने पे, लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग सेल करने पे, और LTCG होता है तो ही मिलती है। किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, NHAI या RECI के बॉन्ड्स में, NHAI या RECI के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो 5 ईयर बाद रिडीम होंगे उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कब तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ टाइम लिमिट थोड़ी काम की है, 6 मंथ के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 6 मंथ के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जेम्प्शन कितनी मिलेगी, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और 50 लाख, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड और 50 लाख विच एवर इज लोअर। कैपिटल गेन ले देखेंगे अपन, जितना टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो ले लेंगे और 50 लाख से कंपेयर कर लेंगे, इन तीनों में जो भी लोअर होगा उतनी एग्जेम्प्शन मिल जाएगी। 54EC में जो मैक्सिमम एग्जेम्प्शन मिलती है, कितनी मिलती है, मैक्सिमम 50 लाख, यहाँ लिमिट है मैक्सिमम 50 लाख की। अगर न्यू एसेट को आप विद इन 5 ईयर सेल कर देते हो, न्यू एसेट को जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, NHAI RECI के बॉन्ड्स को आपने 5 ईयर में ट्रांसफर कर देते हो, तो जो आपको अमाउंट पहले एग्जेम्प्ट हुई थी, जितना कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए LTCG। पोस्ट में से लेस नहीं करेंगे, सीधा का सीधा उसको LTCG मान लेंगे। पहले मान लो आपको 10 लाख की एग्जेम्प्शन मिली थी, 10 लाख अगर आप क्या कर देते हो, न्यू एसेट को 5 ईयर के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, 10 लाख आपकी क्या बन जाएगी, LTCG की इनकम बन जाएगी। इस अकॉर्डिंग यहाँ एग्जेम्प्शन विड्रॉ होगी। अदर पॉइंट बता रखा है अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट कर देते हो 6 मंथ के अंदर अंदर, सफिशियंट, आपको अलॉटमेंट बाद में हुआ है मान लो, लेकिन पेमेंट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट और बता रखा है, मान लो आपने लैंड और बिल्डिंग का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करना भी ट्रांसफर माना जाता है, तो लैंड और बिल्डिंग का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन किया तो क्या मानेंगे, लैंड और बिल्डिंग का आपने ट्रांसफर कर दिया। अब एग्जेम्प्शन यहाँ मिल जाएगी आराम से, क्योंकि हाँ लैंड और बिल्डिंग कवर्ड है, लैंड और बिल्डिंग को कवर्ड है। अब इन्वेस्टमेंट 6 मंथ में करना है आपको फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। कन्वर्जन के केस में ट्रांसफर की डेट क्या होती है, कन्वर्जन वाला दिन। अब कन्वर्जन से 6 महीने में करना है, लेकिन इन्होंने बोला ऐसा नहीं करना। उस केस में क्या करना है, जिस दिन आप स्टॉक सेल करोगे उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके पास पैसा कब आएगा, जब स्टॉक सेल करोगे तो पैसा आएगा तो ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इन्होंने बोला जिस दिन आप स्टॉक सेल करोगे तब से 6 मंथ काउंट होंगे, तब से 6 मंथ काउंट होंगे। स्टॉक सेल वाली डेट से अपन 6 मंथ काउंट करेंगे और 6 मंथ पर इन्वेस्ट करेंगे, कब से, स्टॉक सेल वाली डेट से। ये केस लॉ के बेस पे पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ कवर करवा दिए सारे। अब 54F, इंडिविजुअल एचयूएफ को एग्जेम्प्शन मिलती है, कोई भी कैपिटल एसेट उन्होंने ट्रांसफर किया है
रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी कैपिटल असेट, चाहे वो ज्वेलरी थी या कुछ भी असेट था, उसका उसने ट्रांसफर किया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, और इंडिविजुअल एचयूएफ को एलटीसी दी हुआ है, और उसने क्या किया, जो गेन आया, जो भी अमाउंट आया, उसको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, इंडिया में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर मान लो रेजिडेंशियल हाउस सेल करके रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करता तो 54 लग जाता, लेकिन रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कुछ और सेल किया, कुछ और सेल किया और इंडिया में रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या लगेगा, 54F लग जाएगा। कब तक परचेज करना है, सेम टू सेम 54, सेम टू सेम 54 ट्रांसफर करने से एक साल पहले पहले, या ट्रांसफर से दो साल के अंदर अंदर परचेज करना है, कंस्ट्रक्ट करवा दे तो 3 ईयर का टाइम लिमिट है। एग्जेम्पशन यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्ट, ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो ले लेंगे। मान लो आपने 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, वो ले लिया। नेट सेल कंसिडरेशन क्या होता है, जो आपने कैपिटल एसेट सेल किया उससे आपको नेट सेल कंसिडरेशन कितना होता है, सेल नहीं नेट सेल, नेट सेल कैसा होता है, सेल माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस। नेट सेल था 50 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, और जो एलटीसीजी हुआ उसे इंटू कर देंगे, मान लो एलटीसीजी 1 लाख है तो इंटू 1 लाख कर दिया, तो अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाई नेट सेल कंसिडरेशन इंटू एलटीसीजी, ये आ जाएगा आपका एग्जम्पशन। इसमें भी लिमिट है, लॉक इन पीरियड है, अगर 3 ईयर्स में आप न्यू एसेट को ट्रांसफर करते हो तो जो आपको एग्जम्पशन पहले मिली थी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी एज ए एलटीसीजी। इसके बाद बता रखा है पेमेंट कर देते हो एक बार, सफिशिएंट है टाइम लिमिट में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसमें एक स्पेशल पॉइंट हो रहा है, जिस दिन एसएससी ने कैपिटल असेट सेल किया था उस दिन उसके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, मतलब वो अमीर आदमी है उसके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस है तो सेक्शन 54F की ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। गरीबों की एग्जम्पशन है सेक्शन 54F, ये नहीं मिलेगी, अमीर आदमी को नहीं मिलेगी। आगे बता रहा है 54G, GA और GB, ये CA फाइनल के सेक्शन है, ऊपर तक के ये सेक्शन तो आपके CA इंटर में भी थे। अब 54G, GA, GB ये देख लेते हैं। जी सभी पर्सन को मिल जाती है, क्या ट्रांसफर किया आपने, कोई इंडस्ट्री मतलब कोई फैक्ट्री की लैंड और बिल्डिंग प्लान और मशीनरी सेल करी, और वो फैक्ट्री कहाँ थी, अर्बन एरिया में फैक्ट्री थी आपकी, अर्बन एरिया में आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट थी, अर्बन एरिया में आपकी फैक्ट्री थी, उसकी लैंड और बिल्डिंग प्लान और मशीनरी सेल कर दिया आपने, आपको एसटीसीजी एलटीसीजी कैसा भी हो, एसटीसीजी एलटीसीजी, और आपने क्या करा, रूरल एरिया में लैंड और बिल्डिंग प्लान और मशीनरी खरीद ली, फैक्ट्री के लिए रूरल एरिया में लैंड और बिल्डिंग प्लान और मशीनरी खरीद ली। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट हो रहे हो, आप अपनी फैक्ट्री को अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट कर रहे हो। आपकी फैक्ट्री मान लो जयपुर है, वहाँ आप उस फैक्ट्री को बेच के जयपुर से 100-150 किलोमीटर दूर किसी गांव में शिफ्ट कर रहे हो, ये होता है 54G। अब इसमें एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, कब तक आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रांसफर करने से एक साल पहले पहले, या ट्रांसफर से 3 ईयर के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवरेज लोअर, सेम टू सेम ऊपर वालों के सेक्शन की तरह कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवरेज लोअर। अगर आप 3 ईयर्स में, यहाँ भी लॉकिंग पीरियड 3 ईयर का है, 3 ईयर्स में अगर आप उसको ट्रांसफर कर देते हो न्यू असेट को, तो जो आपको एग्जम्पशन पहले मिली थी वो विड्रॉ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देंगे, ऊपर वाले जो सेक्शन थे ना 54B, सेम टू सेम उसी तरह। और अदर पॉइंट दे रखा है, अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हो इस टाइम लिमिट में तो सफिशियंट है, आपको प्रॉपर्टी बाद में मिली हो लेकिन एक बार पेमेंट कर दिया सफिशियंट है। 54GA, ये 54G जैसा ही है, कोई भी पर्सन है उसने लैंड और बिल्डिंग प्लान और मशीनरी थी अर्बन एरिया की फैक्ट्री की, उसको सेल किया, एसटीसीजी एलटीसीजी हुआ, और उसने एससीजेड के अंदर लैंड और बिल्डिंग प्लान और मशीनरी खरीद ली, मतलब वो शिफ्टिंग कहाँ कर रहा है, अर्बन एरिया से एससीजेड में, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट करते हो तो 54G लगेगा, अर्बन एरिया से एससीजेड में शिफ्ट करते हो तो क्या लगेगा, 54G। सेम टू सेम वही टाइम लिमिट है, 1 ईयर और 3 ईयर का टाइम लिमिट है इन्वेस्ट करने का। एग्जम्पशन सेम टू सेम वही है, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवरेज लोअर, सेम टू सेम लॉक इन पीरियड भी वही है, 3 ईयर तक आपको न्यू एसेट को अपने पास रखना है, 3 ईयर के अंदर सेल कर देते हो तो आपकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। और वो पॉइंट भी फालतू है जो सेम है, कि पेमेंट भी कर दिया एक बार तो सफिशियंट है, एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी 54G और GA। अब इसके बाद देखो 54GB, ये एक स्पेशल सेक्शन है, इंडिविजुअल एचयूएफ को इसकी एग्जम्पशन मिलती है, खाली इंडिविजुअल एचयूएफ को। इंडिविजुअल एचयूएफ ने क्या सेल किया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी बढ़े, हाउस प्रॉपर्टी बढ़नी, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हाउस भी आ जाएगा और लैंड भी, मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आ जाएगी और रेजिडेंशियल लैंड भी आ जाएगा, कमर्शियल नहीं आएगा रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल लैंड या रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेल करी इंडिविजुअल एचयूएफ ने, और उनको एलटीसीजी हुआ, क्या हुआ, एलटीसीजी। अब उस इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या करना है, एक स्टार्टअप होता है सेक्शन 80IAC, जब डिडक्शन आएगा तब अपन देखेंगे, सेक्शन 80IAC में एक स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप, उस स्टार्टअप के उस इंडिविजुअल एचयूएफ ने क्या किया, 25% शेयर्स खरीद लिए, एटलीस्ट 25% इक्विटी शेयर खरीद लिए, और 25% इक्विटी शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कब तक, ROI की ड्यू डेट से पहले पहले, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उस स्टार्टअप ने उस अमाउंट से न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। पहले तो इंडिविजुअल एचयूएफ ने अपना रेजिडेंशियल लैंड या रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेल करी, एलटीसीजी हुआ, इंडिविजुअल एचयूएफ ने क्या किया, पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, स्टार्टअप 80IAC वाले स्टार्टअप में 25% और मोर के इक्विटी शेयर खरीद लिए। फिर उसके बाद उस स्टार्टअप ने क्या करा, उस पैसे से न्यू प्लान और मशीनरी खरीद ली, तब जाके यहाँ एग्जम्पशन मिलती। अब स्टार्टअप वाले को प्लान और मशीनरी कब खरीदनी है, जब इंडिविजुअल ने शेयर्स खरीद देते उससे एक साल के अंदर अंदर, स्टार्टअप वाले को प्लान और मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, न्यू प्लान और मशीनरी में। अब एग्जम्पशन कितना मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू प्लान और मशीनरी, अपन जो अमाउंट इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया है स्टार्टअप में वो नहीं लेंगे,
जितने अमाउंट का स्टार्टअप ने प्लानर मशीनरी खरीदा है, न्यू प्लानर मशीनरी बोलेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू प्लानर मशीनरी डिवाइड कर देंगे नेट सेल कंसलेशन इनटू एलटीसीजी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू प्लानर मशीनरी डिवाइड बाय नेट सेल कंसलेशन इनटू एलटीसीजी, सेम टू सेम 54F की तरह वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ क्या लेंगे, इन न्यू प्लानर मशीनरी डिवाइड बाय नेट सेल कंसलेशन इनटू एलटीसीजी। अगर न्यू प्लानर मशीनरी को वो स्टार्टअप विद इन 5 ईयर सेल कर देता है, विद इन 5 ईयर ट्रांसफर कर देता है, या वो इंडिविजुअल क्या करता है, जो इक्विटी शेयर उसने खरीद देते हैं स्टार्टअप के, उसको विद इन 5 ईयर ट्रांसफर कर देता है, तो जो आपको अमाउंट पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो एलटीसीजी के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा, वो एलटीसीजी मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब इसमें यहाँ न्यू प्लानर मशीनरी में 5 चीज़ें नहीं लेंगे, 5 चीज़ें अपन इग्नोर कर देंगे, ये 5 चीज़ें अपन इग्नोर करेंगे। एक तो सेकंड हैंड प्लानर मशीनरी नहीं लेंगे, सेकंड हैंड प्लानर मशीनरी नहीं लेंगे। दूसरा, कोई प्लानर मशीनरी जो आपने ऑफिस में लगाई या रेजिडेंस में लगाई, कोई एसी मान लो, एसी प्लानर मशीनरी होती है, उसको आपने ऑफिस में लगा दिया, रेजिडेंस में लगा दिया, नहीं लेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी नहीं लेंगे, ये भी प्लानर मशीनरी में आती है, प्लानर मशीनरी के ब्लॉक में आती है, ये भी नहीं लेंगे। कोई व्हीकल है, व्हीकल भी प्लानर मशीनरी के ब्लॉक में आती है, तो व्हीकल भी नहीं लेंगे। कार वगैरह, कार ट्रक वगैरह, वो भी नहीं लेंगे। और कोई ऐसी प्लानर मशीनरी जिसका आपको 100% रिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिल गया, जिसका आपको 100% रिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिल गया, जैसे साइंटिफिक रिसर्च की कोई प्लानर मशीनरी है, या सेक्शन 35AD बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस की कोई प्लानर मशीनरी है, वहाँ 100% रिडक्शन मिल जाता है, तो ऐसी प्लानर मशीनरी भी अपन नहीं लेंगे। सेकंड हैंड नहीं लेंगे, ऑफिस में लगाई, रेजिडेंस में लगाई, वो नहीं लेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं लेंगे, कोई व्हीकल नहीं लेंगे, और जिस प्लानर मशीनरी का आपको पीजीबीपी हेड में 100% रिडक्शन मिल चुका वो भी नहीं लेंगे। इनके अलावा जो भी प्लानर मशीनरी है वो अपन ले लेंगे। ये थे सेक्शन एग्जेम्पशन के, टोटल 8 सेक्शन। अब देखो इसमें याद करने का एक तो तरीका क्या है, 5 ऐसे सेक्शन है जिसमें सेम टाइप ऑफ एसेट सेल करते हो, सेम टाइप ऑफ एसेट खरीदते हो आप। 54 बिल्डिंग सेल करते हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदते हो। 54B एग्रीकल्चर लैंड सेल करते हो, एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो। 54D लैंड और बिल्डिंग आपकी इंडस्ट्री का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, और आप उसी में इन्वेस्ट कर देते हो, लैंड और बिल्डिंग इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए आप खरीद लेते हो। 54D। इसके बाद नीचे के 2 सेक्शन देखो, G और GA, अर्बन एरिया की लैंड और बिल्डिंग प्लानर मशीनरी सेल करते हो, और लैंड और बिल्डिंग प्लानर मशीनरी खरीदते हो आप रूरल एरिया में, तो सेम टाइप ऑफ एसेट खरीदते हो, ऐसे ही 54GA में करते हो। इन 5 सेक्शन में सेम टाइप ऑफ एसेट सेल करते हो, सेम टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करते हो, और इन 5वें सेक्शन में जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है, क्या मिलती है, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड व्हिच एवर यू, सेम टू सेम ये मिलती है। 5वें सेक्शन देख लो, सेम टू सेम ये मिलती है। और जो विड्रॉल वाला पॉइंट है, सेम टू सेम इन 5वें सेक्शन का, सेम टू सेम है। और इन 5वें सेक्शन में एक चीज, बस एक चीज दिक्कत वाली है कि 5वें सेक्शन में एसटीसीजी और एलटीसीजी सब कवर्ड है, एक को छोड़ के सेक्शन 54 में ओनली एलटीसीजी कवर्ड है। एलटीसीजी होगा तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन सेक्शन 54B और D, इसके बाद नीचे वाले दोनों देखो, G और GA, इन दोनों में देखो एसटीसीजी भी कवर्ड है, एलटीसीजी भी, और ऊपर वाले में उनमें भी एसटीसीजी और एलटीसीजी कवर्ड है, बस एक 54 में खाली एलटीसीजी कवर्ड। इसके बाद जो तीन सेक्शन हो रहे हैं, 54EC, F और GB, इनमें आप कोई अलग असेट सेल कर रहे हो, अलग असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। देख लो यहाँ पे 54EC में लैंड और बिल्डिंग सेल कर रहे हो, NHAI के बॉन्ड खरीद रहे हो। 54F में आप कोई अदर कैपिटल असेट सेल कर रहे हो और बिल्डिंग खरीद रहे हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और 54GB में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करके आप इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, तो अलग असेट बेचते हो, अलग असेट खरीदते हो। इसमें एग्जेम्पशन निकलने का तरीका भी तीनों में अलग है, बिल्कुल अलग है। देख लो तीनों का तरीका बिल्कुल अलग टाइप का है, तीनों का तरीका बिल्कुल अलग है। और इन तीनों में जो विड्रॉल एग्जेम्पशन होती है वो कैसे होती है, वो आपकी कॉस्ट से लेस नहीं करते, वो सीधा क्या मान लेते हैं, एलटीसीजी मान लेते हैं। देख लो तीनों के अंदर यही तरीका है, तो इस अकॉर्डिंग आप याद करना चाहो तो इनको याद रख सकते हो। बाकी एक बार रीड कर लेना, इन सब एग्जेम्पशन में ज़्यादा काम की जो है, एक तो 54EC थोड़ी बहुत काम की है, एक 54GB भी थोड़ी बहुत काम की है, ईसी और जीबी ये थोड़ी बहुत काम की है ज़्यादा। अब इसमें एक देखा कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम, ये क्या है कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम। देखो अपन ने सेक्शन देखा 54, 54B, D, F, G, GA, GB, सारे सेक्शन मैंने यहाँ लिख दिए, ईसी को छोड़ दिया। देखो यहाँ तो आपको इन्वेस्ट कितने टाइम में करना पड़ता है, 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर की डेट से 6 महीने में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, मतलब ROI की ड्यू डेट से पहले पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, तो यहाँ की तो बात भूल जाओ, यहाँ तो आपको पहले करना पड़ जाता है। लेकिन बाकी केस में देखो टाइम लिमिट आपका किसी में 1 ईयर है, किसी में 2 ईयर है, किसी में 3 ईयर है, तो करंट ईयर में आपने सेल करा, 21-22 में आपने असेट ट्रांसफर किया, अब टाइम लिमिट आपको गवर्नमेंट ने दे रखा है 1 साल में इन्वेस्ट कर लो, 2 साल में कर लो, 3 साल में इन्वेस्ट कर लो, अब आप करंट ईयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या ड्यू डेट से पहले पहले इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ROI की ड्यू डेट से पहले पहले इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप, लेकिन गवर्नमेंट ने टाइम तो दे ही रखा है आपको 2 साल बाद 1 साल बाद, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो आप क्या करो, जो भी आपको अमाउंट है आपका, जो भी अमाउंट आया कैपिटल गेन आया या सेल अमाउंट है, उसको आप क्या करो, ड्यू डेट से पहले पहले या रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले CGAS अकाउंट में जमा करवा दो। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ड्यू डेट से पहले पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो आप क्या करो, रिटर्न फाइलिंग करने से पहले पहले या ड्यू डेट से पहले पहले, ROI की ड्यू डेट से पहले पहले, रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले CGAS कैपिटल गेन अकाउंट में स्पेसिफाइड बैंक में जमा करवा दो। गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट सोचती है इनको टाइम लिमिट तो दे दिया, ये साल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगले साल कर देंगे, लेकिन अगले साल मानो इन्वेस्ट करें ही ना, तो गवर्नमेंट पकड़ेगी कैसे आपको, गवर्नमेंट ने आपको बोला इन्वेस्टमेंट करना है आपको, अब गवर्नमेंट ने टाइम दे दिया, आप बोलोगे कि मैं तो अगले साल करूंगा इन्वेस्टमेंट या 2 साल बाद करूंगा, मैं तो टाइम लिमिट दे रखा है आपको 54 में, सेकंड 54 में 3 साल का कंस्ट्रक्शन का टाइम लिमिट दे रखा है आपको कि 3 साल में कंस्ट्रक्ट करवा लो या 2 साल में परचेज कर लो,
तो आप करंट ईयर में इन्वेस्ट नहीं करते या ड्यू डेट से पहले पहले इन्वेस्ट नहीं करते, तो गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये अकाउंट खोल रहे हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम स्पेसिफाइड बैंक में, स्पेसिफाइड बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं। आप ड्यू डेट से पहले पहले, आरओई की ड्यू डेट से पहले पहले या रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले इसमें अमाउंट जमा करवा दो। जितना अमाउंट आप इसमें जमा करवा दोगे उसको हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, उसको हम इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। और जब आप खरीदोगे आगे जाके एक साल बाद दो साल बाद, इसमें से अमाउंट विड्रॉ करके खरीद लेना। ये बोला तो सीजीएस अकाउंट खोल दिया इन सभी सेक्शन के लिए, क्योंकि इनमें टाइम लिमिट काफ़ी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट करने की। अब आ जाओ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन। टैक्स रेट्स कैसे लगेंगे कैपिटल गेन पे एक एक करके देख लो। सबसे पहले सेक्शन 111A ये बोलता है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है आपको सर्टेन असेट्स पे टैक्स रेट कैसे लगेगा एसटीसीजी पे, तो तीन असेट बता रखे हैं इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी, यूनिट फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन पे अगर आपको एसटीसीजी होता है और ये तीनों असेट एसटीटी पेड है, एसटीटी पेड मतलब लिस्टेड है सेल के टाइम पे, परचेज के टाइम की बात नहीं हो रही, सेल के टाइम पे एसटीटी पेड है, लिस्टेड है, टैक्सेबल होगा इनका कैपिटल गेन 15% की रेट से इन पे अगर एसटीसीजी होता है। इनके अलावा किसी भी असेट पे एसटीसीजी होता है जनरल रेट लग जाएगी, जनरल रेट मतलब इंडिविजुअल की वही स्लैब वगैरह लग जाएंगे, कंपनी की 25% और 30%, फर्म की 30%, वो जनरल रेट लग जाएगी। अब इसके बाद एलटीसीजी बता रखा है इन तीन असेट पे, 112A में कवर्ड होगा किस पे, इक्विटी शेयर पे, यूनिट ऑफ इक्विटी फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे अगर एलटीसीजी होता है। और ये तीनों असेट क्या है एसटीटी पेड है, लिस्टेड है, सेल के टाइम पे लिस्टेड है, लेकिन इसमें एक चीज और दे रखी है, जो इक्विटी शेयर है ना ये परचेज के टाइम पे भी लिस्टेड होना चाहिए, मतलब परचेज के टाइम पे भी क्या होना चाहिए इन पे एसटीटी पेड होना चाहिए। इक्विटी शेयर परचेज के टाइम पे भी लिस्टेड होना चाहिए और सेल के टाइम पे भी, तो ही कवर होंगे यहाँ पे 111A में, नहीं तो ये अदर असेट माने जाएंगे, तो ही कवर होंगे, परचेज और सेल दोनों टाइम पे एसटीटी पेड होना चाहिए, बाकी दो असेट सेल के टाइम पे एसटीटी पेड होना चाहिए 112A के अकॉर्डिंग। 111A में ऐसा नहीं था, 111A में तीनों असेट सेल के टाइम पे एसटीटी पेड होना चाहिए, तीनों असेट पे सेल के टाइम एसटीटी पेड, एसटीटी मतलब लिस्टेड शेयर्स या लिस्टेड यूनिट्स, तो एसटीटी पेड है। तो ऐसे केस में अगर एलटीसीजी आता है तो आपको 100,000 रुपये तक एग्रीगेट, पूरा एग्रीगेट मिला के, ऐसा नहीं कि पर असेट, पूरा एग्रीगेट मिला के पूरे साल में 100,000 तक क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 100,000 से ऊपर जितना है, 100,000 से ऊपर जितना है वो 10% की रेट से टैक्सेबल होगा, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने आपको लिखवाया था कि लॉन्ग टर्म होने पे भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, तीन चार केस में, स्लम सेल में, एक 112A में, एक डेप्रिशिएबल एसेट में और एक बॉन्ड्स और डिबेंचर में लिखवाया था ना वहाँ पे। तो यहाँ इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका 100,000 तक एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा और 100,000 से ऊपर जितना भी आया, मान लो आपका 180,000 आया टोटल, टोटल एलटीसी जाया इन असेट पे, तो 100,000 तक एग्जम्प्ट और 80,000 आ जाएगा आपका टैक्सेबल, 10% की रेट से इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये है एलटीसीजी ऑन सर्टेन असेट। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसका पॉइंट आ जाता है टोटल इनकम के क्वेश्चन में, टोटल इनकम के क्वेश्चन में आता है तो आपको इनकम दिखानी होती है एलटीसीजी की, इनकम एलटीसीजी हुआ आपको मान लो 180,000 का हुआ इन वाले असेट पे अंडर सेक्शन 112A वाला, कितना है 180,000 का, 100,000 का एग्जम्प्ट होगा, लेकिन जब टोटल इनकम निकालते हैं ना उसमें हमें पूरा दिखाते हैं, उसमें एलटीसीजी पूरा दिखाते हैं, ये वाला एलटीसीजी वहाँ पूरा दिखाते हैं, फिर टोटल इनकम आते हैं जब टैक्स निकालते हैं तो ये स्पेशल रेट वाली इनकम है, इस इनकम को अलग करते हैं 180,000, इसमें से 100,000 तब एग्जम्प्ट करते हैं, टैक्स निकालते वक्त एग्जम्प्ट करते हैं और तब इसको 80,000 करते हैं, टोटल इनकम निकालते वक्त इसको पूरा दिखाते हैं। मान लो एलटीसीजी होता 20,000 रुपये का तो भी दिखाते, हाँ तो भी दिखाते, तो भी उसको 20,000 दिखाते, और फिर जब टैक्स निकालते कैलकुलेट करते हैं, टैक्स टैक्स निकालते नीचे टैक्स की कैलकुलेशन करते तब इसको एग्जम्प्ट करते थे, तब एग्जम्प्ट करते थे। तो ये बात ध्यान रखना, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है, इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही करता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होती है। अब आगे आओ इसी सेक्शन में इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का भी तरीका बता रखा है, इन असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का एक स्पेशल तरीका बता रखा है। बोल रखा है कि अगर आप इन असेट को परचेज करते हो 31 जैन 18 के बाद, 31 जैन 18 के बाद करते हो तो परचेज प्राइस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने इनको परचेज कब किया था 31 जैन 18 या उससे पहले किया था, 31 जैन 18 या उससे पहले परचेज किया था, इफ परचेज ओनर बिफोर 31 जैन 18 तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, तो स्पेशल तरीका क्या बता रखा है, जितने में सेल किया वो ले लो, मान लो सेल आपने किया 700 में, इन असेट को सेल कितने में किया 700 में, इनकी एफ एम वी लो 31 जैन 18 की, 31 जैन 18 की मान लो एफ एम वी है 500, इन दोनों को कंपेयर करो सेल अमाउंट और एफ एम वी, इन दोनों का तो ले लो लोअर, लोअर आया मान लो 500 और इसको आपने परचेज किया था 200 में, तो लोअर को कंपेयर करो परचेज प्राइस से, लोअर को कैसे कंपेयर करो परचेज प्राइस से, और इन दोनों का ले लो हायर, ये आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैसे आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने 31 जैन 18 के बाद परचेज किया है तो परचेज प्राइस, लेकिन 31 जैन 18 या उससे पहले परचेज किया है तो कैसे आएगी, सेल अमाउंट और एफ एम वी एज ऑन 31 जैन 18 विच एवरेज लोअर, और लोअर को कंपेयर करो परचेज प्राइस, लोअर और परचेज प्राइस विच एवरेज हायर, सेल अमाउंट और एफ एम वी एज ऑन 31 जैन 18 इन दोनों का लोअर, लोअर को कंपेयर करेंगे परचेज प्राइस से और इन दोनों का ले लेंगे हायर। ये तरीका है यहाँ एफ एम वी निकालने का, यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का। अब इनकी एफ एम वी क्या होगी, 31 जैन 18 की एफ एम वी क्या होगी, तो देखो इक्विटी शेयर्स के केस में इक्विटी शेयर आपके परचेज के टाइम पे लिस्टेड होंगे सेल के टाइम पे, तभी तो कवर होंगे यहाँ पे, परचेज के टाइम भी लिस्टेड होंगे सेल के टाइम भी लिस्टेड होंगे, तो दोनों टाइम लिस्टेड होंगे तो इनकी ट्रेडिंग प्राइस आपको मिल जाएगी, कब की 31 जैन 18 की, 31 जैन 18 की आपको इनकी ट्रेडिंग प्राइस मिल जाएगी। तो इक्विटी शेयर्स के केस में एफ एम बी क्या हो जाएगी, 31 जैन 18 की ट्रेडिंग प्राइस ले लेना, कौन सी ट्रेडिंग प्राइस, हाईएस्ट वाली, लोएस्ट नहीं लेनी, एवरेज नहीं लेनी, कौन सी लेनी, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस।
अब यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट, इनके केस में क्या लोगे? एसएमबी। तो इनके केस में बता रखा, अगर ये लिस्टेड थे, ये पहले लिस्टेड थे परचेज के टाइम पे, या 31 जनवरी 18 को लिस्टेड थे ये, तो इनकी हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लो 31 जनवरी 18 की। अगर ये 31 जनवरी 18 को लिस्टेड नहीं थे, बाद में लिस्टेड हुए, तो इनकी क्या ले लो? नेट एसेट वैल्यू ले लो 31 जनवरी 18 की, क्योंकि बाद में लिस्टेड हुए हैं तो इनकी 31 जनवरी 18 की ट्रेडिंग प्राइस आपको मिलेगी नहीं। तो क्या ले लो? नेट एसेट वैल्यू ले लो, कब की? 31 जनवरी 18 की। क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट सेल के टाइम पे लिस्टेड होने चाहिए, परचेज के टाइम पे नहीं होंगे तो भी चलेगा। तो अगर ये लिस्टेड थे 31 जनवरी 18 को, तो ट्रेडिंग प्राइस ले लो हाईएस्ट वाली, लिस्टेड नहीं थे तो नेट एसेट वैल्यू ले लो 31 जनवरी 18 को। ये था आपका 112A। अब आप आ जाओ अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या होगा? सेक्शन 112 लग जाएगा, रेजिडेंट या डोमेस्टिक कंपनी में 20% टैक्सेबल हो जाएगा, और नॉन रेजिडेंट फंड कंपनी में भी 20% ही लगेगी रेट। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उनको छोड़ के, अदर कोई भी होगा, चाहे वो लैंड पे हो चाहे स्लम सेल पे हो, क्या रेट लगेगी? 20। लेकिन नॉन रेजिडेंट फंड कंपनी में एक स्पेशल पॉइंट और दे दिया, अगर नॉन रेजिडेंट फंड कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? इंडियन कोई प्राइवेट कंपनी है और उसकी अनलिस्टेड सिक्योरिटी, प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी क्या होंगी? अनलिस्टेड होंगी, अनलिस्टेड शेयर डिबेंचर्स वगैरह, तो उन पे LTC हो रहा है, तो 10% की रेट से टैक्सेबल होगा विदाउट इंडेक्सेशन। वैसे तो 20 लगेगी रेट, लेकिन अगर किसी नॉन रेजिडेंट फोन कंपनी को इंडिया की कोई प्राइवेट कंपनी की अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे LTC हो रहा है, तो 10% की रेट लगेगी बिना इंडेक्स के। ये एक स्पेशल पॉइंट है, वैसे ये 6C के लिए, पॉइंट पेपर नंबर 6C के लिए ज़्यादा काम का है ये वाला पॉइंट। अब इसमें अदर पॉइंट दे रखे हैं 111A, 112A और 112 के लिए। इन तीन सेक्शन की इनकम में से आपको चैप्टर 6 की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब कैपिटल गेन से आपको चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो इन तीन सेक्शन में कवर है, 111A, 112A और 112। और दूसरा बता रखा है, इन तीन सेक्शन की इनकम में से आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट, जो 2.5 लाख के इंडिविजुअल का स्लैब होता है, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख वाला, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ ले सकता है, AOPBOI को नहीं मिलेगा, खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को भी नहीं मिलेगा। अगर किसी नॉन रेजिडेंट को मान लो 112 की इनकम हो रही है 2 लाख की, तो सीधा 20% रेट लग जाएगी और कोई इनकम नहीं उसकी, ऐसा नहीं बोल सकता वो 2.5 लाख तक नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, उसको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा स्लैब का। लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा इनको भी? पहले अदर इनकम से मिलेगा, अगर इनकी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की इनकम है पहले तो उनसे ले ले, फिर अगर बच जाती है तो वो इससे सेट ऑफ कर सकते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट। कौन सी इनकम से? 111A, 112A और 112। ये था अपना पूरा चैप्टर कैपिटल गेन का, मैंने डिटेल में आपको करवा दिया और अपन को टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा इसको डिटेल में करने में, पूरा डिटेल में मैंने आपको एक बार बता दिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो स्लम सेल है, उस स्लम सेल को काफ़ी अच्छे से कर लेना, उसका सीधा क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, स्लम सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सेक्शन 112A ये भी काम का सेक्शन है, इसका टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में कभी कभार पॉइंट आ जाता है। बाकी इसमें मैंने टोटल क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिए थे, जो भी क्वेश्चन थे सारे क्लास में मैंने करवाई दिए थे आपको। तो आज अपना कैपिटल गेन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा डिटेल में मैंने आपको इसको रिवाइज करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।